हेलो गाइज वेलकम टू माय चैनल तो आज के वीडियो में हम जिस फिल्म के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उसका नाम है राजू गरी गजी थ्री जिसको हिंदी डब वर्जन में नाम दिया हुआ है कंचना फोर इस फिल्म के रिगार्डिंग में आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताने वाला हूं, फिल्म की स्टोरी भी बताऊंगा साथ ही में फिल्म की परफॉर्मेंस डायरेक्शन सभी के ऊपर चर्चा करेंगे फिल्म का पूरा रिव्यू करेंगे साथ ही में फिल्म के रिगार्डिंग जितनी भी अनकही अनसुनी बातें वो सभी चीजें मैं आपके साथ शेयर करूंगा इसी के साथ फिल्म को किस तरह से बनाया गया फिल्म का बजट कितना है बॉक्स ऑफिस पर कितना कलेक्शन किया किस फिल्म का ये रिमेक है और इस फिल्म के रिगार्डिंग जितनी भी जो सब चीजें है प्रवल क्वल सभी चीजों के ऊपर मैं पूरी डिटेल देने वाला हूँ तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहे साथ ही में मैं आपको बता दूंगा कि ये फिल्म आपको कंचना फोर के नाम से हिंदी डब में कहां पे ऑफिशियली देखने को मिल जाएगी तो वीडियो को जरूर देखे राजू गरी गदी थ्री राजू गरी ग्री दो की तेलुगु लैंग्वेज हॉरर कॉमेडी फिल्म है जिसको लिखा और डायरेक्ट किया हुआ है ओमकार ने फिल्म का स्क्रीन प्ले भी ओमकार ने ही किया हुआ है एक्चुअल स्टोरी है, वो है साई माधव बुर्रा की फिल्म के प्रोड्यूसर की बात करें तो कल्याण चक्रवर्ती जिन्होंने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है ओ ए के यानी की ओक एंटरटेनमेंट के नीचे इस प्रोडक्शन कंपनी के नीचे कल्याण चक्रवर्ती इन फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है सिनेमेटोग्राफर की बात करे छोटा के नायडो की इस फिल्म में आपको सिनेमेटोग्राफर देखने को मिलेगी साथ ही में एडिटिंग किए हुए गौतम राजू ने म्यूजिक दिया हुआ साबिर ने इस फिल्म के लीड कास्ट की बात करें तो फिल्म में आपको अश्विन बाबू अविका गोर और उर्वशी लीड रोल में देखने को मिलेंगे उन्हीं के साथ सपोर्टिंग कास्ट की बात करें तो अली ब्रह्मा जी अजय घोष प्रभाष श्रीनु हरि तेजा के शिवाशंकर धनराज गेटअप श्रीनु स्नेहा गुप्ता राधिका एस मायादेव वो सभी लोग सपोर्टिंग कास्ट में देखने को मिलेंगे तो ये फिल्म की कास्टिंग ये सभी आर्टिस्ट है जिन्होंने इस फिल्म में काम किया हो Why? इस फिल्म के रनिंग टाइम की बात करें तो फिल्म को 122 मिनट जितना बनाया गया है जिसको पूरे इंडिया में तेलुगु लैंग्वेज में 18 अक्टूबर 2019 को रिलीज किया गया था जिसका बजट करीबन चार से पांच करोड़ था और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर बारह करोड़ से भी ज्यादा का कलेक्शन किया था बात करें फिल्म के रिमेक वर्जन की तो ये फिल्म दिलंकु दुंदु टू नाम की जो तमिल मूवी है उसका ऑफिशियल रिमेक वर्जन है दिलंकु दुंदु टू की बात करें तो वो 2019 की ही तमिल लैंग्वेज हॉरर कॉमेडी फिल्म

तो म्यूजिक डायरेक्टर और कुछ कास्टिंग भी फिल्म की सेम नजर आ रही है दिलंकु दुंदुत फिल्म को हैंडमेड फिल्म्स प्रोडक्शन कंपनी के नीचे सांतनम के द्वारा ही प्रोड्यूस किया गया था जो फिल्म के लीड एक्टर थे इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ था ट्रीड एंड आर्ट ने तिलंकु धुदुत मूवी को सात फरवरी दो को पूरे इंडिया में तमिल लैंग्वेज में रिलीज किया गया था सांतनम के करियर की सबसे बड़ी हिट फिल्म साबित हुई इस फिल्म को टोटल चालीस दिन में शूट किया गया था और ये दिलंकु धुंदुतु जो दो हजार सोलह में फिल्म थी उसका ये सिक्वल है जिसका पहला पार्ट यानी कि किस जिसको राजमहल थ्री के नाम से 2017 में सत्रह स्टेल फिल्म्स के द्वारा डब करवाया गया था और वो फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर अच्छा खासा कलेक्शन कर गई थी जिसकी रिमेक भी बनी थी 2019 में गिमिक के नाम से जो कनाडा रिमेक थी जिसके लीड रोल में थे सुपरस्टार गणेश तिलंकू दुंदु वन को टोटल 12 करोड़ कलेक्शन मिला था बॉक्स ऑफिस पे उसके बाद इस फिल्म का सिक्वल 2019 में बना गया जो भी काफी बड़ा सक्सेसफुल साबित हुआ दूसरे पार्ट का रिमेक राजू गरी ग्री के नाम से हिंदी में बनाया गया राजू गरी ग्री की कहानी की बात करे तो फिल्म में अश्विन और उसका मामा जो हैप्पी गो लकी वाले पर्सन है और वो अपने कॉलोनी में काफ़ी न्यूसेंस फैलाते रहते अपने नेबर को पीने के बाद काफ़ी परेशान करते रहते तो उनके नेबर्स जो भी पड़ोसी थे तो वो कई अलग अलग टेक्निक अपनाते थे इन दोनों को भगाने के लिए लेकिन कोई भी टेक्निक काम नहीं आ रही थी आखिर में उनको एक ऐसा पॉइंट मिला जहाँ पे वो एक मिस्टीरियस घोष के थ्रू उनको डरा के उसके पीछे पड़वाना चाहते जिसके कारण वो दोनों उस कॉलोनी को छोड़ के चले जाए उसके बाद पूरी फिल्म की कहानी इस तरह से सेट की है जिसकी वजह से वहां पे हॉरर और कॉमेडी दोनों एलिमेंट हमें देखने को मिलता है फिल्म की कहानी डिसेंट है उसमें उतना कुछ नयापन तो नहीं है लेकिन जिस तरह से कॉमेडी सीक्वेंस सेट किए हुए वो बढ़िया है फिल्म के हॉरर कॉमेडी सीक्वेंस का कॉम्बो अच्छी तरह से सेट किया हुआ है खास करके कॉमेडी वाला सीक्वेंस जिस तरह से अश्विनी का कैरेक्टर लिखा हुआ है अजय घोष का कैरेक्टर वो दोनों कैरेक्टर आपको ज़रूर हंसाने में कामयाब रहती है साथ ही में फिल्म की डबिंग भी वही बढ़िया लेवल की की हुई है गोल के द्वारा जिसकी वजह से वो देखने में मजा आता है इसका जो दूसरा जिसका ये रीमेक है दिलंग दिलंकुदुन्दो टू का उस फिल्म से इस फिल्म को शायद शायद तक सेम टू सेम बनाया गया है अश्विन बाबू और रविका गौर अपने एक शानदार परफॉर्मेंस डिलीवर करते हुए नजर आते हैं और अश्विन बाबू ने इस फिल्म में ये इस, इस सीरीज में इनकी कंटिन्यू तीसरी फिल्म में इससे पहले उन उन्होंने पहले पार्ट में लीड किया था उसके बाद दूसरे पार्ट में नागार्जुन और समन्था के साथ उन्होंने काम किया हुआ था और तीसरा पार्ट ये इस फिल्म की कास्टिंग की बात करें तो अश्विन बाबू हमें अश्विन के रोल में दिखाई देते हैं वहीं अविका गौर हमें माया का रोल में दिखाई देती है उर्वशी राजमाता के रोल में दिखाई देती है वहीं अली अश्विन के दोस्त का यानी फ्रेंड का या मामा का किरदार निभाते हुए नजर आते हैं उसी के साथ ब्रह्मा जी जो एक डॉक्टर के रोल में दिखाई देते हैं वहीं पे अजय घोष जो गरुड़ा राज भत्तधरी का रोल प्ले हैं प्रभा श्रीनु हरि तेजा धनराज गेटअप श्रीनुनेहा गुप्ता का एक आइटम नंबर है राधिका एस मायावन जिसका आइटम आइटम गर्ल गर्ल के पे, न, के तौर तौर पे पे दूसरे वो ना गद्दी लो की दिखाई देती है दूसरे बाकी के सभी लोग कॉलोनी मेंबर या कुछ ना कुछ सपोर्टिंग आर्टिस्ट में दिखाई देते हैं जिनके म्यूजिक की बात करें तो सबीर के द्वारा इस फिल्म का म्यूजिक कम्पोज किया गया है जिन्होंने इस फिल्म का जो ओरिजिनल वर्जन है यानी कि धींकू धुंधु टू उसमें भी उन्होंने ही म्यूजिक दिया हुआ था इस फिल्म का गाना ना गद्दीरो कर लिरिक्स श्री मनी ने लिखा हुआ है और परफॉर्म किया हुआ है एम एस मानसी ने और श्री वर्जिनी तनुश्री नटराजन मिराया वर्मा एल वी रेवंत और खुद सबीर ने इस फिल्म को क्रिटिक्स और ऑडियंस की तरफ से मिक्स रिस्पॉन्स मिला था खास करके क्रिटिक्स को इस फिल्म से थोड़ा का कम कॉमेडी ट्रैक में वो सब पसंद आया था वहीं पे ऑडियंस को कुछ ऑडियंस को ज़्यादा मज़ा आया था फिल्म से लेकिन कुछ ऑडियंस को ठीक ठाक लगी थी इस फिल्म को राजू गरी गधी टू जो 2013 में 2017 में रिलीज की गई थी उसका प्रिक्वल माना जाता है इसके अलावा इस फिल्म के हम सीरीज़ की बात करें तो पहली इस, इस इसके अलावा फिल्म की सीरीज की बात करें तो सबसे पहली फिल्म यानी कि राजू गरी गधी थ्री राजूगरी गधी गदी थ्री फिल्म इस फिल्म सीरीज की पहली सीरीज पहली फिल्म है जिसके राइटर डायरेक्टर ओमकार है प्रोड्यूस किया हुआ है वाराही चालन चित्रम ने और इस फिल्म को यानी कि राजू गरी गदी वन को वारा लचलन चित्रम ए के एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड ओके एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी प्रोडक्शन कंपनी के नीचे प्रोड्यूस किया गया है जिसका म्यूजिक दिया हुआ है शायद कार्तिक ने सिनेमाटोग्राफी की हुए नानम ने और एडिटिंग की हुए नागराज ने राजू गरी थ्री जो दो हजार सत्रह दो हज़ार पंद्रह की तेलुगु लैंग्वेज हॉरर कॉमेडी फिल्म है जिसको लिखा डीर किया ओमकार ने और फिल्म के लीड रोल में देखने को मिले थे असवैन बाबू और धान्या बालाकृष्णा सपोर्टिंग कास्ट की बात करें चेतन ची चीनू पोषाणी कृष्णा मुरली धनराज राजीव कनकाला विजुलेखा रमन और साथ ही में ईशान्या महेश्वरी इस फिल्म का बजट करीबन तीर तीन करोड़ था और जिस टाइम इस फिल्म को रिलीज सोलह अक्टूबर 2015 को रिलीज़ किया गया था तब पूरे इंडिया में तेलुगु लैंग्वेज में 135 मिनट के रन टाइम के साथ इसको रिलीज़ किया गया था जिसको 18 करोड़ तक बॉक्स ऑफिस पे कलेक्शन मिला हुआ था और उसके बाद ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे अच्छा खासा कलेक्शन करने की वजह से काफ़ी बढ़िया तरीके से ब्लॉकबस्टर साबित गिनी गई गिनी गई थी इस फिल्म के हिंदी राइट्स सोल्डर आउट किए थे तेजी एंटरटेनमेंट ने जिन्होंने राजा साहेब का कमरा के नाम से फिल्म को हिंदी में डब करवाया होता है उसी के साथ राजा गरी गदी फिल्म तमिल में मुंदिंजा वालू के नाम से डब हुई थी वहीं बाद में इस फिल्म का सिकवल बनाया गया जो 2017 में राजू गरी गदी टू के नाम से रिलीज किया गया वैसे राजू गरी गदी थ्री फिल्म जो ऑफिशियली वैसे तो राजू गरी गदी थ्री फिल्म की राजू गरी सीरीज़ है वो ज़्यादातर जैसे कि जिस इस फिल्म का जो दूसरा पार्ट यानी कि राजू गरी गदी टू जिसको 2017 में तेलुगू लैंग्वेज में कॉमेडी हॉरर फिल्म सीरीज फिल्म के नाम से रिलीज किया गया था जिसको प्रोड्यूस किया था प्रशांत वी पोटलोरी ने और पी वी पी सिनेमा और मेटिन एंटरटेनमेंट ओक एंटरटेनमेंट बैनर के नीचे फिल्म को प्रोड्यूस किया गया था फिल्म को लिखा हुआ है अबूरी रवि ने खास करके डायलॉग स्क्रीन प्ले स्टोरी और डायरेक्शन किया हुआ है ओमकार ने फिल्म की ओरिजिनल स्टोरी थी रंजीत शंकर की ये फिल्म हकीकत में प्रथम फिल्म जो 2016 में मलयालम लैंग्वेज में आई थी जो एक हॉरर कॉमेडी ड्रामा फिल्म थी उसका ऑफिशियल रीमेक वर्जन है इसके बाद प्रेथम का भी दूसरा पार्ट आया था प्रेथम टू जिसको जिसको दो में रिलीज किया गया था प्रेथम फिल्म जो पहला पार्ट थी उसकी टेक्निकल टीम यानी कि फिल्म को लिखा और डील किया होता था रंजीत शंकर ने प्रोड्यूस रंजीत शंकर खुद कर रहे थे और जया सूर्या मिलकर जया सूर्या जो फिल्म के लीड एक्टर में थे उन्हीं के साथ अजू वर्गीज सराफुद्दीन श्रुति रामाचंद्रन गोविंद पदमा धर्माजन धर्मा जन हरीश पेराडी ये सभी लोग देखने को मिलते हैं सिनेमेटोग्राफी की हुई थी जीतू दामोदर ने एडिटिंग की हुई थी वी साजन ने म्यूजिक दिया था आनंद मसदूसूदन ने प्रोडक्शन कंपनी ड्रीम एंड बियॉन्ड्स के नीचे फिल्म को प्रोड्यूस किया गया था डिस्ट्रीब्यूटर थे फॉक्स स्टार स्टूडियो और सेंट्रल पिक्चर्स बारह अगस्त 2016 को फिल्म को रिलीज किया गया था जिसकी रनिंग टाइम थी 126 मिनट और पूरे इंडिया में मलयालम लैंग्वेज में इस फिल्म को रिलीज किया गया था जिसका करीबन बजट साढ़े तीन करोड़ था पर बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म में बम्पर कलेक्शन करके 18 करोड़ तक का कलेक्शन किया जिसका बाद में तेलुगु में रिमेड रिमेक बन गया जिसका नाम था राजू गरी गिखा किया ओमकार ने और फिल्म के लीड रोल में थे नागा अर्जुन समन था अक्की सीरत कपूर अभिनया राव रमेश अश्विन बाबू वेनेला किशोर ये सभी लोग फिल्म की कास्टिंग में सपोर्टिंग कास्ट की बात करें तो प्रवीण विधुलेका रमन नरेश अविनाश देवन नंदू तेजस्विनी मेदेवाड़ा नारायण राव नपूर्णा सत्या कृष्णा खान रवि वर्मा सकल शंकर गीता सिंह बेबी लासिया और शत्रु ये सभी लोग फिल्म में एज एक्टर काम कर रहे थे नागार्जुन रोजर का रोल प्ले, प्ले कर रहे थे समन्था किन अमृता का शीरत कपूर सुहानी सा का रोल प्ले कर रहे थे वहीं अभी अभिनाय किरण का रोल प्ले कर रहे राव रमेश ने परम धमिया का रोल प्ले किया हुआ है अश्विन बाबू ने अश्विन का किरदार ही प्ले किया हुआ है बेनेला किशोर जो किशोर के रोल में दिखाई देते प्रवीण प्रवीण के ही रोल में दिखाई देते विद्युलेखा जिनको बेलम श्रीदेवी का किरदार दिया हुआ है नरेश जो एक फादर के रोल में दिखाई देते वहीं अविनाश एक प्रिस्ट के रोल में दिखाई देते देवन जिनको वाइस चांसलर ये चंद्रशेखर का किरदार दिया हुआ है नंदू को वही सेम नाम के साथ किरदार दिया हुआ है तेजस्वी मेदेवाड़ा को बाला का किरदार दिया हुआ है फिल्म में नारायण राव मास्टर का रोल प्ले कर रहे हैं अन्नपूर्णा वारा लक्ष्मी का सत्य कृष्णन लेक्चर का रोल प्ले कर रहे हैं लेक्चरर का रोल प्ले कर रही है मुख्तान खान जो कमिश्नर शरत चंद्र का रोल प्ले कर रही है और रवि वर्मा जो सत्ती का रोल प्ले करे सकला का शंकर जो बाला यशु का रोल प्ले करे वहीं गीता सिंह निम्मी बेबी लस्या अमृता चाइल्ड अमृता जो छोटी वाली बच्ची थी उसका और शत्रु एक गुंडे के रोल में दिखाई देते राजू गरी को काफ़ी हाई बजट के साथ बनाया गया था जिसका बजट करीबन 25 करोड़ था और फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 36 करोड़ का कलेक्शन किया था जिसके साथ ये फ़िल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई थी जिसको फिर क्रिटिक्स और ऑडियंस की तरफ से काफ़ी मिक्स रिस्पांस मिला था और इसे एक पासेबल वॉच फिल्म कह सकते हैं इस टाइप की फिल्म को रिस्पॉन्स मिला था वैसे फिल्म एवरेज ही थी और इस फिल्म का राजू गरी गधी को भी हिंदी में डब करवाया गया है जिसको हिंदी डब करवाया हुआ है जी एंटरटेनमेंट ने जिन्होंने शिवाजी सुपर हीरो टू के नाम से फिल्म को डब करवाया हुआ था जिनके पास पहला पार्ट था जिसका नाम था राजा साहेब का कमरा लेकिन उन्होंने इसको राजा साहेब का कमरा टू के नाम की बजाय फिल्म को नाम दिया हुआ था कि शिवाजी सुपर हीरो टू उसके बाद राजूगरी गधी टू को दो में रिलीज करने के बाद फिल्म को 2019 में तीसरा पार्ट लाया गया 2019 में जब इसका तीसरा पार्ट लाया गया था तब सभी लोगों का मानना था कि ये भी शायद रिमेक होगा और वैसा ही निकला फिल्म ऑफिशियली रीमेक निकली वैसे जो राजूगरी दुर्गति दुर्गदी वन है जिसको जी एंटरटेनमेंट ने नहीं पर हॉट यानी कि स्टार नेटवर्क वालों ने खरीदा हुआ था जिन्होंने इस फिल्म को राजा साहब का कमरा के नाम से रिलीज किया था उस वजह से दूसरा पार्ट जी एंटरटेनमेंट के पास था तो जिन्होंने इसको नाम बाद में शिवाजी सुपर हीरो टू दे दिया था और उसके बाद वो फिल्म जी फाइव पर भी ऑफिशियली देखने को मिलती है और कहीं कहीं बार यूट्यूब पे भी अनऑफिशियली देखने को मिल जाती है अब बात कर लेते हैं तीसरे से पार्ट की यानी कि राजी गरी गदी टू राजू गरी गदी ग्री जिसके राइट्स खरीदे हुए थे गोल माइन्स टेलीफिल्म ने जिन्होंने फिल्म को कंचना फोर के नाम से डब करवाया हुआ था क्योंकि राजू गरी गदी थ्री के राइट्स उनके पास थे लेकिन पहले दूसरे पार्ट्स के राइट्स उनके पास नहीं थे तो नाम वो सेम नहीं रखा पहले पार्ट्स के राइट्स थे स्टार नेटवर्क के पास जिन्होंने राजा साहब का कमरा नाम दिया उसके बाद उन्होंने उस फिल्म को ऑफिशियली हॉटस्टार पर अवेलेबल किया हुआ है हिंदी वर्जन में इसके अलावा राजू गरी गदी ट्रू जिसके राइट्स खरीदे हुए हैं जी एंटरटेनमेंट ने जिन्होंने फिल्म को शिवाजी सुपर हीरो जो नागार्जुन की शिवाजी सुपर हीरो सॉरी विक्रम की शिवाजी सुपर हीरो फिल्म थी उसका सिक्वल बना के रिलीज़ किया उसके बाद उसको उन्होंने जी फाइव ऑफिशियली हिंदी में अवेलेबल करा हुआ है और कई बार जी जी सिनेमा पे भी वो फिल्म आती रहती है उसके बाद राजू गरी गदीश्री जब 2019 में तेलुगू लैंग्वेज में आई तभी फिल्म के राइट्स गोलमेंस वालों ने ख़रीद लिए तो वो गोलम्स वाले वैसे भी उनकी ज़्यादातर हॉरर फिल्मों को कंचना के ही नाम से रिलीज़ करना पसंद करते कंचना का बदला कंचना की कार कंचना ही कंचना कंचना वन टू थ्री फोर कंचना रिटर्न्स द रिटर्न ऑफ कंचना ऐसे ही कहीं नाम है वहाँ पे कंचना जोड़ देते क्योंकि उनके पास कंचना सीरीज़ के पहले एक दो पार्ट्स खरीदे हुए जिस वजह से वो इस फिल्म को कंचना के नाम से रिलीज़ कर दे थे क्योंकि कंचना सीरीज़ काफ़ी सक्सेसफुल है हिंदी वर्जन में भी खास करके उसकी कॉमेडी और डबिंग की वजह से कंचना वन जो 2011 की फिल्म है राघव लॉरेंस वाली जो गोलमाइंस वालों ने डब करवाई हुई थी जिसको सेम नाम से डब करवाया तब काफ़ी अच्छा खासा रिस्पांस मिला था जिसकी वजह से बाद में कंचना टू जो तापसी पन्नू के साथ राघव लॉरेंस की थी उस फिल्म को भी गोलमाइंस वालों ने ख़रीद लिया जिन्होंने सेम नाम रखा होता जिसका नाम कंचना टू रखा लेकिन जब कंचना थ्री की बारी आई तब कंचना थ्री के राइट्स खरीद लिए जी एंटरटेनमेंट ने काफ़ी अच्छे खासे प्राइस में जिसकी वजह से वो कंचना थ्री को केथरी काली का करिश्का करिश्मा के नाम से रिलीज किए उन्होंने कहा कि कंचना थ्री तमिल वर्जन है और हिंदी वर्जन में नाम दिया केथरी काली का करिश्मा जिसको जी फाइव पर अवेलेबल किया हुआ है उसी के साथ ही यूट्यूब पर वो अनऑफिशियली कई बार देखने को मिल जाती है और केथरी काली का करिश्मा टेलीविज़न पर भी कई बार आ चुकी है अब उस वजह से क्योंकि उसका मेन रीज़न था कंचना थ्री तो कंचना थ्री गोलमाइंस वालों के पास कंचना वन और टू के तो राइट्स थे ही उसी के साथ कंचना थ्री वो सभी फिल्मों को हॉरर फिल्मों को कंचना के नाम से रिलीज़ करवाते तो उन्होंने एक आनंदो ब्रह्मो करके जो तापसी पन्नू की फिल्म थी जिसका पेट्रोमिक्स करके तमिल में को तमन्ना के साथ रिमेक भी बना था जो स्टार पे हिंदी वर्जन में अवेलेबल है सेम नाम के साथ जिसकी डबिंग भी अच्छी है और फ्री में अवेलेबल है और अनन्दो ब्रह्मो भी हिंदी डब वर्जन में गोलमैस वालों ने ख़रीदा जिन्होंने यूट्यूब पे इस फिल्म को अवेलेबल किया हुआ है तो उन्होंने क्या किया, किया कि उस फिल्म को दूसरा नाम देने की बजाय कंचना की सक्सेस को फिर से उसी सक्सेस के ऊपर से तर रोटी सेकने की वजह से उन्होंने इस फिल्म को कंचना नाम दे दिया जिसकी वजह से लोगों का अट्रैक्शन उस फिल्म के प्रति खींच जाए और सेम वैसा ही हुआ और वो फिल्म अच्छी खासी हिंदी वर्जन में व्यूज़ ले गई सौ मिलियन से ज़्यादा शायद व्यूज़ मिले टीवी पे भी अच्छा खासा रिस्पांस मिला था अब उसके बाद आई कर राजू गरी सॉरी कंचना थ्री ओरिजिनल और वाली तो वो राइट तो जी वालों ने खरीदे तो उनके पास कंचना थ्री के सेंसर बोर्ड सर्टिफिकेशन में नाम नहीं दे सकते जिस वजह से उन्होंने इस फिल्म को नाम दे दिया के थ्री कालिका करिश्मा और कोष्टक में लिख दिया था कंचना जिस वजह से बाद में वो फिल्म को कंचना थ्री दिया नाम गया और उसके बाद कंचना फोर अभी तक ऑफिशियली तो आई नहीं है लेकिन हिंदी फिर वेब सीरीज हिंदी सीरीज है जो कंचना की वहाँ पे कंचना फोर भी आ चुकी है जिसको नाम दिया हुआ है राजू गरी गदी थ्री जो ऑफिशियली को धुंदो टू का रीमेक वर्जन है वैसे तो तमिल तमिल का ही रीमेक है जिस वजह से हॉरर फिल्म होने की वजह से कंचना फोर नाम के साथ गोलमाइंस वालों ने डब करवा दिया राइट्स खरीद के फिल्म को डब करवा दिया पहले ये फिल्म सोनी पे आने वाली थी लेकिन उसके बाद जब गोलमांस वालों ने अपनी ही टेलीविज़न चैनल रिलॉन्च कर दी जिसका नाम था टिंचाक टेलीविजन चैनल जिस वजह से उन्होंने इस फिल्म को बाद में उस चैनल को थोड़ा उठाने के लिए उसकी टीआरपी गेन करने के लिए चैनल को लोगों की नज़र में लाने के लिए कई बड़ी बड़ी फिल्में रिलीज की है जैसे कि लकी माय नेम इज लकी जो बागे बागे मागा दी वो जिसको जिसका हिंदी डब वर्जन है जिसके रिलीड रोल में थे नानी और लावनया त्रिपाठी जो काफ़ी बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म थी तो वो फिल्म वहाँ पे रिलीज़ करवाई गई और वैसी कई फिल्में रिलीज़ करवाई गई थी और सोनी पे और दूसरे को राइट्स बेचे हुए थे उनके पास टेलीविज़न राइट्स फिर से ख़रीद कर गोलमैंस वालों ने अपनी ढी चाक टेलीविज़न पे प्रीमियर करवाए हुए कई फिल्मों को भोजपुरी के राइट्स खरीद के उसको भोजपुरी में डब करके रिलीज़ करवाया हुआ है वहीं पर राजू गरे गति थ्री के राइट्स उनके पास थे तो इस फिल्म को कंचना फोर नाम से उन्होंने ढिनचाक प्रीमियर करवाया वहाँ पे अच्छा खासा रिस्पांस मिला यूट्यूब पे भी गोल माई ने इस फिल्म को ऑफिशियली अपलोड किया था लेकिन कुछ समय के बाद रिमूव कर दिया उसका रीज़न नहीं पता है उसके बाद वो फिल्म ढिचाक पर कहीं बार आई हुई है कहीं वेबसाइट पर भी अनऑफिशियली अवेलेबल है और कोई ऑफिशियली ओटीटी टी प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल नहीं है क्योंकि गोलमाइस वालों के पास कोई ऑफिशियल ओटीटी टी प्लेटफॉर्म ख़ुद का नहीं है तो उन्होंने यूट्यूब पे तो रिलीज़ करवाई थी लेकिन वो उन्होंने रिमूव कर दी उसके बाद कई लोगों ने इस फिल्म को कंचना फोर के नाम से राजू गरी गदी थ्री फिल्म को यूट्यूब पर ऑफिशियली अनऑफिशियली हिंदी डब में अवेलेबल किया हुआ था अभी भी कई बार वो फिल्म देखने को मिल जाती है जिसकी वजह से लोग वहीं से ही देख लेते अदरवाइज़ इसको ढिनचा टेलीविज़न पे से देखने को मिल जाती है ये फिल्म तो इस हिसाब से इस फिल्म को देख लेते तो ये फिल्म अगर ऑफिशियली देखनी हो तो आपको ढिचा टेलीविजन प्रीमियर का शेड्यूल चेक करना पड़ेगा वहीं से ही आप ये फिल्म को ऑफिशियली देख सकते हो अदरवाइज गोल वाले जब फिल्म को डब करवाएंगे सॉरी जब यूट्यूब पर प्रीमियर करवाएंगे तभी देख पाओगे इसके अलावा अनऑफिशियली तो आती रहती है अगर आप यूट्यूब पर अनऑफिशियली देख सकते हो तो वहीं से कहीं से भी देख सकते हो तो इस फिल्म का यही हिंदी डब वर्जन का काम है डबिंग तो काफ़ी बढ़िया की हुई है वैसे गोल की जो हॉरर फिल्मों की कॉमेडी के रिगार्डिंग जो हॉरर कॉमेडी फिल्मों की जो डबिंग है अभी तक काफ़ी सक्सेसफुल साबित हुई है कंचना सीरीज़ की मेन रीज़न वही है उनकी उसकी डबिंग जहाँ पे मराठी गुजराती हिंदी पंजाबी सभी मिक्स करके वो एक भोजपुरी सभी स्लैंग को मिक्स करके जो एक फिल्म को डब करवाते है। वही वजह से फिल्म अच्छा खासा यूट्यूब पे और टेलीविज़न पे काम कर जाती है तो कई उसी वजह से सभी चीज़ों को बढ़िया तरीके से रिस्पॉन्स मिल जाता है राजू गरी थ्री दो की तेलगु लैंग्वेज हॉरर कॉमेडी फिल्म है जिसको लिखा और डायरेक्ट किया हुआ है, है।, है, है तो जिन्होंने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है ओ ए यान के यानी किस के नीचे इस प्रोडक्शन कंपनी के नीचे कल्याण चक्रवर्ती फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है सिनेमेटोग्राफर की बात करे छोटा के नायडो की इस फिल्म आपको सिनेमाटो देखने को मिलेगी साथ ही में एडिटिंग की हुए गौतम राजू ने म्यूजिक दिया हुआ है साबिर ने इस फिल्म के लीड कास्ट की बात करें तो फिल्म में आपको अश्विन बाबू अविका गोर और उर्वशी लीड रोल में देखने को मिलेंगे उन्हीं के साथ सपोर्टिंग कास्ट की बात करे तो अली ब्रह्मा जी अजय घोष प्रभाष श्रीनु हरि तेजा के शिवाशंकर धनराज गेटअप श्रीनु स्नेहा गुप्ता राधिका एस माया देव वो सभी लोग सपोर्टिंग कास्ट में देखने को मिलेंगे तो ये फिल्म की कास्टिंग ये सभी आर्टिस्ट है जिन्होंने इस फिल्म में काम किया हुआ Why? इस फिल्म के रनिंग टाइम की बात करें तो फिल्म को 122 मिनट जितना बनाया गया है जिसको पूरे इंडिया में तेलुगु लैंग्वेज में 18 अक्टूबर 2019 को रिलीज किया गया था जिसका बजट करीबन चार से पांच करोड़ था और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 12 करोड़ से भी ज्यादा का कलेक्शन किया था बात करें फिल्म के रीमेक वर्जन की तो ये फिल्म दिलंकु दुंदु टू नाम की जो तमिल मूवी है उसका ऑफिशियल रीमेक वर्जन है तिलंकु दुंदू टू की बात करें तो वो 2019 की ही तमिल लैंग्वेज हॉरर कॉमेडी फिल्म

तो म्यूजिक डायरेक्टर और कुछ कास्टिंग भी फिल्म की सेम नजर आ रही है दिलंकुंदुतु फिल्म को हैंडमेड फिल्म प्रोडक्शन कंपनी के नीचे सांतनम के द्वारा ही प्रोड्यूस किया गया था जो फिल्म के लीड एक्टर थे इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ था ट्रेड एंड आर्ट ने दिलंकुंदुत मूवी को 7 फरवरी 2019 को पूरे इंडिया में तमिल लैंग्वेज में रिलीज किया गया था सांतनम के करियर की सबसे बड़ी हिट फिल्म साबित हुई इस फिल्म को टोटल 40 दिन में शूट किया गया था और ये दिलंकु दुंदुतु जो 2016 में फिल्म आई थी उसका ये सिक्वल है जिसका पहला पार्ट यानी कि किस जिसको राजमहल थ्री के नाम से 2017 में सत्रह स्टेल फिल्म्स के द्वारा डब करवाया गया था और वो फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर अच्छा खासा कलेक्शन कर गई थी जिसकी रिमेक भी बनी थी 2019 में गिमिक के नाम से जो कन्नडा रिमेक थी जिसके लीड रोल में थे सुपरस्टार गणेश गणेश तिलंकु वन को टोटल 12 करोड़ कलेक्शन मिला था बॉक्स ऑफिस पे उसके बाद इस फिल्म का सिक्वल 2019 में बना गया जो भी काफी बड़ा सक्सेसफुल साबित हुआ दूसरे पार्ट का रिमेक राजू गरी थ्री के नाम से हिंदी में बनाया गया राजू गरी थ्री की कहानी की बात करे तो फिल्म में अश्विन और उसका मामा जो हैप्पी गो लकी वाले पर्सन है और वो अपने कॉलोनी में काफ़ी न्यूसेंस फैलाते रहते अपने नेबर को पीने के बाद काफ़ी परेशान करते रहते तो उनके नेबर्स जो भी पड़ोसी थे तो वो कई अलग अलग टेक्निक अपनाते थे इन दोनों को भगाने के लिए लेकिन कोई भी टेक्निक काम नहीं आ रही थी आखिर में उनको एक ऐसा पॉइंट मिला जहां पे वो एक मिस्टीरियस घोष के थ्रू उनको डरा के उसके पीछे पड़वाना चाहते जिसके कारण वो दोनों उस कॉलोनी को छोड़ के चले जाए उसके बाद पूरी फिल्म की कहानी इस तरह से सेट की हुई जिसकी वजह से वहां पे हॉरर और कॉमेडी दोनों एलिमेंट हमें देखने को मिलता है फिल्म की कहानी डिसेंट है उसमें उतना कुछ नयापन तो नहीं है लेकिन जिस तरह से कॉमेडी सीक्वेंस सेट किए हुए वो बढ़िया है फिल्म के हॉरर कॉमेडी सीक्वेंस का कॉम्बो अच्छी तरह से सेट किया हुआ है खास करके कॉमेडी वाला सीक्वेंस जिस तरह से अश्विनी का कैरेक्टर लिखा हुआ है अजय घोष का कैरेक्टर वो दोनों कैरेक्टर आपको ज़रूर हंसाने में कामयाब रहते हैं साथ ही में फिल्म की डबिंग भी वही बढ़िया लेवल की की हुई है गोलमाइंस के द्वारा जिसकी वजह से वो देखने में मजा आता है रा इसका जो दूसरा जिसका ये रीमेक है दिलंग कुदुम धुंदो टू का उस फिल्म से इस फिल्म को शायद शायद तक सेम टू सेम बनाया गया है अश्विन बाबू और अविका गौर अपने एक शानदार परफॉर्मेंस डिलीवर करते हुए नजर आते हैं और अश्विन बाबू ने इस फिल्म में इस, इस सीरीज़ में इनकी कंटिन्यू तीसरी फिल्म में इससे पहले उन उन्होंने पहले पार्ट में लीड किया था उसके बाद दूसरे पार्ट में नागार्जुन और समन्था के साथ उन्होंने काम किया हुआ था और तीसरा पार्ट ये इस फिल्म की कास्टिंग की बात करें तो अश्विन बाबू हमें अश्विन के रोल में दिखाई देते हैं वहीं अविका गौर हमें माया का रोल में दिखाई देती है उर्वशी राजमाता के रोल में दिखाई देती है वहीं अली अश्विन के दोस्त का यानी फ्रेंड का या मामा का किरदार निभाते हुए नजर आते उसी के साथ ब्रह्मा जी जो एक डॉक्टर के रोल में दिखाई देते हैं वहीं पे अजय घोष जो गरुड़ा राज पत्थरी का रोल प्ले हैं प्रभा हरि तेजा धनराज गेटअप श्रीनु स्नेहा गुप्ता के एक आइटम नंबर है राधिका एस मायावन जिसका आइटम गर्ल के तौर पे दूसरे आइटम गर्ल के तौर पे वो नागद्दी लोकी सॉन्ग में दिखाई देती है दूसरे बाकी के सभी लोग कॉलोनी मेंबर या कुछ ना कुछ सपोर्टिंग आर्टिस्ट में दिखाई देते हैं फिल्म के म्यूजिक की बात करें तो सबीर के द्वारा इस फिल्म का म्यूजिक कम्पोज किया गया जिन्होंने इस फिल्म का जो ओरिजिनल वर्जन है यानी कि दिलंग को धुंधो उसमें भी उन्होंने ही म्यूजिक दिया हुआ था इस फिल्म का गाना ना गति कर रा कर लिरिक्स श्री मनी ने लिखा हुआ है और परफॉर्म किया हुआ है एम एस मानसी ने और श्री वर्जिनी तनुश्री नटराजन मिराया वर्मा एल वी रेवंत और खुद सबीर ने इस फिल्म को क्रिटिक्स और ऑडियंस की तरफ से मिक्स रिस्पांस मिला था खास करके क्रिटिक्स को इस फिल्म से थोड़ा का कम कॉमेडी ट्रैक में वो सब पसंद आया था वहीं पे ऑडियंस को कुछ ऑडियंस को ज़्यादा मज़ा आया था फिल्म से लेकिन कुछ ऑडियंस को ठीक ठाक लगी थी इस फिल्म को राजू गरी टू जो 2013 में 2017 में रिलीज़ की गई थी उसका प्रिक्वल माना जाता है इसके अलावा इस फिल्म के हम सीरीज़ की बात करें तो पहली इस इस इसके अलावा फिल्म की सीरीज की बात करें तो सबसे पहली फिल्म यानी कि राजू गरी ग्री राजूगरी गधी गदी थ्री फिल्म इस फिल्म सीरीज की पहली सीरीज पहली फिल्म है जिसके राइटर डायरेक्टर ओमकार है प्रोड्यूस किया हुआ है वाराही चालन चित्रम ने और इस फिल्म को यानी कि राजू गरी गदी वन को वारा लचलन चित्रम ए के एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड ओके एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी प्रोडक्शन कंपनी के नीचे प्रोड्यूस किया गया है जिसका म्यूजिक दिया हुआ है ऐसा कार्तिक ने सिनेमाटोग्राफी की हुए नानम ने और एडिटिंग की हुए नागराज ने राजू गरी गदी थ्री जो दो हजार सत्रह दो हज़ार पंद्रह की तेलुगु लैंग्वेज हॉरर कॉमेडी फिल्म है जिसको लिखा डीर किया ओमकार ने और फिल्म के लीड रोल में देखने को मिले थे असविन बाबू और धान्या बालाकृष्णा सपोर्टिंग कास्ट की बात करें चेतन ची चीनू पोसानी कृष्णा मुरली धनराज राजीव कनकाला विजुलेखा रमन और साथ ही में ईशान्या महेश्वरी इस फिल्म का बजट करीबन तीर तीन करोड़ था और जिस टाइम इस फिल्म को रिलीज 16 अक्टूबर 2015 को रिलीज़ किया गया था तब पूरे इंडिया में तेलुगु लैंग्वेज में 135 मिनट के रन टाइम के साथ इसको रिलीज़ किया गया था जिसको 18 करोड़ तक बॉक्स ऑफिस पे कलेक्शन मिला हुआ था और उसके बाद ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे अच्छा खासा कलेक्शन करने की वजह से काफ़ी बढ़िया तरीके से ब्लॉकबस्टर साबित शाबित गिनी गई गिनी गई थी इस फिल्म के हिंदी राइड शोल उड के तेजी एंटरटेनमेंट ने जिन्होंने राजा साहेब का कमरा के नाम से फिल्म को हिंदी में डब करवाया होता है उसी के साथ राजा गरी गदी फिल्म तमिल में मुदिंजा वालू के नाम से डब हुई थी वहीं बाद में इस फिल्म का सीक्वल बनाया गया जो 2017 में राजू गरी गू के नाम से रिलीज किया गया वैसे राजू गरी गदी थ्री फिल्म जो ऑफिशियली वैसे तो राजू गरी गदी थ्री फिल्म की राजू गरी गदी फिल्म सीरीज है वो ज़्यादातर जैसे कि जिस इस फिल्म का जो दूसरा पार्ट यानी कि राजू गरी गधि टू जिसको 2017 में तेलुगु लैंग्वेज में कॉमेडी हॉरर फिल्म सीरीज फिल्म के नाम से रिलीज़ किया गया था जिसको प्रोड्यूस किया होता प्रशांत वी पोटलोरी ने और पी वी पी सिनेमा और मेटिन एंटरटेनमेंट ओक एंटरटेनमेंट बैनर के नीचे फिल्म को प्रोड्यूस किया गया था फिल्म को लिखा हुआ है अबूरी रवि ने खास करके डायलॉग स्क्रीन प्ले स्टोरी और डायरेक्शन किया हुआ है ओमकार ने फिल्म की ओरिजिनल स्टोरी थी रंजीत शंकर की यह फिल्म हकीकत में प्रथम फिल्म जो 2016 में मलयालम लैंग्वेज में आई थी जो एक हॉरर कॉमेडी ड्रामा फिल्म थी उसका ऑफिशियल रीमेक वर्जन है इसके बाद प्रेथम का भी दूसरा पार्ट आया था प्रीथम टू जिसको जिसको दो में रिलीज़ किया गया था प्रेथम फिल्म जो पहला पार्ट थी उसकी टेक्निकल टीम यानी कि फिल्म को लिखा और डे किया होता था रंजीत शंकर ने प्रोड्यूस रंजीत शंकर खुद कर रहे थे और जया सूर्या मिलकर जया सूर्या जो फिल्म के लीड एक्टर में थे उन्हीं के साथ अजू वर्गीज शराफुद्दीन श्रुति रामाचंद्रन गोविंद पदमा धर्माजन धर्मा बोलकथी हरीश पेराडी ये सभी लोग देखने को मिलते हैं सिनेमाटोग्राफी की हुई थी जीतू दामोदर ने एडिटिंग की हुई थी वी साजन ने म्यूजिक दिया था आनंद मधुसूदन ने प्रोडक्शन कंपनी ड्रीम एंड के नीचे फिल्म को प्रोड्यूस किया गया था डिस्ट्रीब्यूटर थे फॉक्स स्टार स्टूडियो और सेंट्रल पिक्चर्स 12 अगस्त 2016 को फिल्म को रिलीज किया गया था जिसकी रनिंग टाइम थी 126 मिनट और पूरे इंडिया में मलयालम लैंग्वेज में इस फिल्म को रिलीज किया गया था जिसका करीब साढ़े तीन करोड़ था और बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म में बम्पर कलेक्शन करके 18 करोड़ तक का कलेक्शन किया जिसका बाद में तेलुगु में रिमेट रीमेक बन गया जिसका नाम था राजू गरी गिखा हुआ ओमकार ने और फिल्म के लीड रोल में थे नागा अर्जुन समन था अक्की सीरत कपूर अभिनया राव रमेश अश्विन बाबू वेनेला किशोर ये सभी लोग फिल्म की कास्टिंग में सपोर्टिंग कास्ट की बात करें तो प्रवीण विधुलेका रमन नरेश अविनाश देवन नंदू तेजस्विनी मेदेवाड़ा नारायण राव नपूर्णा सत्या कृष्णा खान रवि वर्मा सक शंकर गीता सिंह बेबी लासिया और शत्रु ये सभी लोग फिल्म में एज एक्टर काम कर रहे थे नागार्जुन रोधर का रोल प्ले कर रहे थे समन्था किन्न ने अमृता का शीरत कपूर सुहानी साह का रोल प्ले कर रहे थे वहीं पे अभिनायक किरण का रोल प्ले कर रहे राव रमेश ने परम धमिया का, का रोल प्ले किया हुआ है अश्विन बाबू ने अश्विन का किरदार ही प्ले किया हुआ है वेनेला किशोर जो किशोर के रोल में दिखाई देते प्रवीण प्रवीण के ही रोल में दिखाई देते विद्युलेखा जिनको बेलम श्रीदेवी का किरदार दिया हुआ है नरेश जो एक फादर के रोल में दिखाई देते वहीं अविनाश एक प्रिस्ट के रोल में दिखाई देते देवन जिनको वाइस चांसलर ये चंद्रशेखर का किरदार दिया हुआ है नंदू को वही सेम नाम के साथ किरदार दिया हुआ है तेजस्वी मेदेवाड़ा को बाला का किरदार दिया हुआ है फिल्म में नारायण राव मास्टर का रोल प्ले कर रहे हैं अन्नपूर्णा वारा लक्ष्मी का सत्य कृष्णन लेक्चर का रोल प्ले कर रहे हैं लेक्चरर का रोल प्ले कर रही है मुक्तान खान जो कमिश्नर शरत चंद्र का रोल प्ले कर रही है और रवि वर्मा जो सत्ती का रोल प्ले करे सकल का शंकर जो बाला यशु का रोल प्ले करे वहीं गीता सिंह निम्मी बेबी लसिया अमृता चाइल्ड अमृता जो छोटी वाली बच्ची थी उसका और शत्रु एक गुंडे के रोल में दिखाई देते हैं राजू गरी टू फिल्म को काफ़ी हाई बजट के साथ बनाया गया था जिसका बजट करीबन 25 करोड़ था और फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 36 करोड़ का कलेक्शन किया था जिसके साथ ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई थी जिसको फिर क्रिटिक्स और ऑडियंस की तरफ से काफ़ी मिक्स रिस्पॉन्स मिला था और इसे एक पासीबल वॉच फिल्म कह सकते हैं इस टाइप की फिल्म को रिस्पॉन्स मिला था वैसे फिल्म एवरेज एवरेज ही थी और इस फिल्म का राजू गरी गधि टू को भी हिंदी में डब करवाया गया है जिसको हिंदी डब करवाया हुआ है जी एंटरटेनमेंट ने जिन्होंने शिवाजी सुपर हीरो टू के नाम से फिल्म को डब करवाया हुआ था जिनके पास पहला पार्ट था जिसका नाम था राजा साहेब का कमरा लेकिन उन्होंने इसको राजा साहेब का कमरा टू के नाम की बजाय फिल्म को नाम दिया हुआ था कि शिवाजी सुपर हीरो टू उसके बाद राजूगरी गधी टू को दो में रिलीज करने के बाद फिल्म को 2019 में तीसरा पार्ट लाया गया 2019 में जब इसका तीसरा पार्ट लाया गया था तब सभी लोगों का मानना था कि ये भी शायद रीमेक होगा और वैसा ही निकला फिल्म ऑफिशियली रीमेक निकली वैसे जो राजूगरी दुर्गति वन है जिसको जी एंटरटेनमेंट ने नहीं पर हॉस्ट यानी कि स्टार नेटवर्क वालों ने ख़रीदा हुआ था जिन्होंने इस फिल्म को राजा साहब का कमरा के नाम से रिलीज किया था उस वजह से दूसरा पार्ट जी एंटरटेनमेंट के पास था तो जिन्होंने इसको नाम बाद में शिवाजी सुपर हीरो टू दे दिया था और उसके बाद वो फिल्म जी फाइव भी ऑफिशियली देखने को मिलती है कहीं कहीं बार यूट्यूब पे भी अनऑफिशियली देखने को मिल जाती है अब बात कर लेते तीसरे से पार्ट की यानी कि राजी गरी गदी टू राजू गरी गदी थ्री जिसके राइट्स ख़रीदे हुए थे गोल माइन्स टेलीफिल्म ने जिन्होंने फिल्म को कंचना फोर के नाम से डप करवाया हुआ था क्योंकि राजू गरी गदी थ्री के राइट्स उनके पास थे लेकिन पहले दूसरे पार्ट्स के राइट्स उनके पास नहीं थे तो नाम वो सेम नहीं रखा पहले पार्ट्स के राइट्स थे हॉटस्टार स्टार नेटवर्क के पास जिन्होंने राजा साहब का कमरा नाम दिया उसके बाद उन्होंने उस फिल्म को ऑफिशियली हॉट स्टार पर अवेलेबल किया हुआ है हिंदी वर्जन में इसके अलावा राजू गरी गदी ट्रू जिसके राइट्स खरीदे हुए हैं जी एंटरटेनमेंट ने जिन्होंने फिल्म को शिवाजी सुपर हीरो टू जो नागार्जुन की शिवाजी सुपर हीरो सॉरी विक्रम की शिवाजी सुपर हीरो फिल्म थी उसका सिक्वल बना के रिलीज किया उसके बाद उसको उन्होंने जी फाइव ऑफिशियली हिंदी में अवेलेबल करा हुआ है और कई बार जी फाइव सी सिनेमा पे भी वो फिल्म आती रहती है उसके बाद राजू गरी ग्री जब 2019 में तेलुगु लैंग्वेज में आई तभी फिल्म के राइट्स गोलमेंस वालों ने खरीद लिए तो वो गोलमस वाले वैसे भी उनकी ज़्यादातर हॉरर फिल्मों को कंचना के ही नाम से रिलीज़ करना पसंद करते कंचना का बदला कंचना की कार कंचना ही कंचना कंचना वन टू थ्री फोर कंचना रिटर्न्स द रिटर्न ऑफ कंचना ऐसे ही कहीं नाम है वहाँ पे कंचना जोड़ देते क्योंकि उनके पास कंचना सीरीज के पहले एक दो पार्ट्स खरीदे हुए जिस वजह से वो इस फिल्म को कंचना के नाम से रिलीज़ कर दे थे क्योंकि कंचना सीरीज़ काफ़ी सक्सेसफुल है हिंदी वर्जन में भी खास करके उसकी कॉमेडी और डबिंग की वजह से कंचना वन जो 2011 की फिल्म है राघव लॉरेंस वाली जो गोलमाइंस वालों ने डब करवाई हुई थी जिसको सेम नाम से डब करवाया तब काफ़ी अच्छा खासा रिस्पांस मिला था जिसकी वजह से बाद में कंचना टू जो तापसी पन्नू के साथ राघव लॉरेंस की थी उस फिल्म को भी गोलमाइंस वालों ने ख़रीद लिया जिन्होंने सेम नाम रखा होता जिसका नाम कंचना टू रखा लेकिन जब कंचना थ्री की बारी आई तब कंचना थ्री के राइट्स ख़रीद लिए जी एंटरटेनमेंट ने काफ़ी अच्छे खासे प्राइस में जिसकी वजह से वो कंचना थ्री को के थ्री काली का करिश्का करिश्मा के नाम से रिलीज़ किए उन्होंने कहा कि कंचना थ्री तमिल वर्जन है और हिंदी वर्जन में नाम दिया है केथरी काली का करिश्मा जिसको जी फाइव पर अवेलेबल किया हुआ है उसी के साथ यूट्यूब वो अनऑफिशियली कई बार देखने को मिल जाती है और केथरी काली का करिश्मा टेलीविज़न पर भी कई बार आ चुकी है अब उस वजह से क्योंकि उसका मेन रीज़न था कंचना थ्री तो कंचना थ्री गोल वालों के पास कंचना वन और टू के तो राइट्स थे ही उसी के साथ कंचना थ्री वो सभी फिल्मों को हॉरर फिल्मों को कंचना के नाम से रिलीज़ करवाते तो उन्होंने एक ब्रह्मो करके जो तापसी पन्नू की फिल्म थी जिसका पेट्रोमैक्स करके तमिल में को तमन्ना के साथ रिमेक भी बना था जो स्टार पर हिंदी वर्जन में अवेलेबल है सेम नाम के साथ जिसकी डबिंग भी अच्छी है और फ्री में अवेलेबल है और अनन्दो ब्रह्मो भी हिंदी डब वर्जन में गोलमैस वालों ने ख़रीदा जिन्होंने यूट्यूब पे इस फिल्म को अवेलेबल तो किया हुआ है तो उन्होंने क्या किया कि उस फिल्म को दूसरा नाम देने की बजाय कंचना की सक्सेस को फिर से उसी सक्सेस के ऊपर से तर रोटी सेकने की वजह से उन्होंने इस फिल्म को कंचना थ्री नाम दे दिया जिसकी वजह से लोगों का अट्रैक्शन उस फिल्म के प्रति खींच जाए और सेम वैसा ही हुआ और वो फिल्म अच्छी खासी हिंदी वर्जन में व्यूज़ ले गई सौ मिलियन से ज़्यादा शायद व्यूज़ मिले हैं टी वी भी अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिला था अब उसके बाद आई कर राजू सॉरी कंचना थ्री औरिजनल वाली तो वो राइट तो जी वालों ने ख़रीदे तो उनके पास कंचना थ्री के सेंसर बोर्ड सर्टिफिकेशन में नाम नहीं दे सकते जिस वजह से उन्होंने इस फिल्म को नाम दे दिया के थ्री कालिका करिश्मा और कोष्टक में लिख दिया था कंचना जिस वजह से बाद में वो फिल्म को कंचना थ्री दिया नाम गया और उसके बाद कंचना फोर अभी तक ऑफिशियली तो आई नहीं है लेकिन हिंदी फिर वेब सीरीज हिंदी सीरीज है जो कंचना की वहाँ पे कंचना फोर भी आ चुकी है जिसको नाम दिया हुआ है राजू गरी गदी थ्री जो ऑफिशियली दिलंको को दो टू का रीमेक वर्जन है वैसे तो तमिल तमिल का ही रीमेक है जिस वजह से हॉरर फिल्म होने की वजह से कंचना फोर नाम के साथ गोलमांस वालों ने डप करवा दिया राइट्स खरीद के फिल्म को डब करवा दिया पहले ये फिल्म सोनी पे आने वाली थी लेकिन उसके बाद जब गोलमांस वालों ने अपनी ही टेलीविजन चैनल रिलॉन्च कर दी जिसका नाम था टिंचाक टेलीविजन चैनल जिस वजह से उन्होंने इस फिल्म को बाद में उस चैनल को थोड़ा उठाने के लिए उसके टीआरपी गेन करने के लिए चैनल को लोगों की नज़र में लाने के लिए कई बड़ी बड़ी फिल्में रिलीज की है जैसे कि लकी माय नेम इज लकी जो बागे बागे मागा दी वो ही जिसक, जिसका हिंदी डब वर्जन है जिसके लीड रोल में थे नानी और लावणया त्रिपाठी जो काफ़ी बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म थी तो वो फिल्म वहाँ पे रिलीज़ करवाई गई और वैसी कई फिल्में रिलीज करवाई गई थी और सोनी पे और दूसरे को राइट्स बेचे हुए थे उनके पास टेलीविज़न राइट्स फिर से ख़रीद कर गोलमेंस वालों ने अपनी ढिन चाक टेलीविजन पे प्रीमियर करवाए हुए कई फिल्मों को भोजपुरी में राइट्स ख़रीद के उसको भोजपुरी में डब करके रिलीज़ करवाया हुआ है वहीं पर राजू गरे गद्दी थ्री के राइट्स उनके पास थे तो इस फिल्म को कंचना फोर नाम से उन्होंने ढिन्चाक पे प्रीमियर करवाया वहाँ पे अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिला यूट्यूब पे भी गोल माइसो ने इस फिल्म को ऑफिशियली अपलोड किया था लेकिन कुछ समय के बाद रिमूव कर दिया उसका रीज़न नहीं पता है उसके बाद वो फिल्म ढिन्चाक पर कहीं बार आई हुई है कहीं वेबसाइट पर भी अनऑफिशियली अवेलेबल है और कोई ऑफिशियली ओटीटी टी प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल नहीं है क्योंकि गोलमाइस वालों के पास कोई ऑफिशियल ओटीटी टी प्लेटफॉर्म खुद का नहीं है तो उन्होंने यूट्यूब पे तो रिलीज़ करवाई थी लेकिन वो उन्होंने रिमूव कर दी उसके बाद कई लोगों ने इस फिल्म को कंचना फोर के नाम से राजू गरी गदी थ्री फिल्म को यूट्यूब पर ऑफिशियली अनऑफिशियली हिंदी डब में अवेलेबल किया हुआ था अभी भी कई बार वो फिल्म देखने को मिल जाती है जिसकी वजह से लोग वहीं से ही देख लेते अदरवाइज इसको ढिनचा टेलीविज़न पे से देखने को मिल जाती है ये फिल्म तो इस हिसाब से इस फिल्म को देख लेते तो ये फिल्म अगर ऑफिशियली देखनी हो तो आपको ढिनचा टेलीविजन प्रीमियर का शेड्यूल चेक करना पड़ेगा वहीं से ही आप ये फिल्म को ऑफिशियली देख सकते हो अदरवाइज़ गोलबाइंस वाले जब फिल्म को डब करवाएंगे सॉरी जब यूट्यूब पर प्रीमियर करवाएंगे तभी देख पाओगे इसके अलावा अनऑफिशियली तो आती रहती है अगर आप यूट्यूब पर अनऑफिशियली देख सकते हो तो वहीं से कहीं से भी देख सकते हो तो इस फिल्म का यही हिंदी डब वर्जन का काम है

19 की तेलुगु लैंग्वेज हॉरर कॉमेडी फिल्म है जिसको लिखा और डायरेक्ट किया हुआ है ओमकार ओमकार ने ने फिल्म का भी ने किया हुआ है एक्चुअल स्टोरी वो है साई माधव बुर्रा की फिल्म के प्रोड्यूसर की बात करें तो कल्याण चक्रवर्ती हुआ है ओ ए के इस प्रोडक्शन कंपनी के नीचे कल्याण चक्रवर्ती फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है, है। सिनेमेटोग्राफर की बात करें छोटा के नायडो की आपको सिनेमेटोग्राफी देखने को मिलेगी साथ में एडिटिंग की हुए गौतम राजू ने म्यूजिक दिया हुआ है साबिर ने इस फिल्म के लीड कास्ट की बात करें तो फिल्म में आपको अश्विन बाबू अविका गोर और उर्वशी लीड रोल में देखने को मिलेंगे उन्हीं के साथ सपोर्टिंग कास्ट की बात करे तो अली ब्रह्मा जी अजय घोष प्रभाष हरि तेजा के शिवाशंकर धनराज गेटअप स्नेहा गुप्ता राधिका एस मायादेव वो सभी लोग सपोर्टिंग कास्ट में देखने को मिलेंगे तो यह फिल्म की कास्टिंग ये सभी आर्टिस्ट है जिन्होंने इस फिल्म में काम किया हुआ है इस फिल्म के रनिंग टाइम की बात करें तो फिल्म को 122 मिनट जितना बनाया गया है जिसको पूरे इंडिया में तेलुगु लैंग्वेज में 18 अक्टूबर 2019 को रिलीज किया गया था जिसका बजट करीबन चार से पांच करोड़ था और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 12 करोड़ से भी ज्यादा का कलेक्शन किया था बात करें फिल्म के रीमेक वर्जन की तो ये फिल्म दिलंकु दुंदु टू नाम की जो तमिल मूवी है उसका ऑफिशियल रीमेक वर्जन है दिलंकु दुनू टू की बात करें तो वो 2019 की ही तमिल लैंग्वेज हॉरर कॉमेडी फिल्म थी जिसको लिखा और डायरेक्ट किया था रामबाला ने फिल्म के लीड कास्ट में वो वहां पे देखने को मिले थे शांता नाम श्रीता शिवादास दीप्ति सपोर्टिंग कास्ट की बात करें तो राजेंद्रन बिपिन उर्वशी ये सभी लोग सपोर्टिंग कास्ट में देखने को मिले थे इस फिल्म का राइटिंग डिरेक्शन रामबाला ने किया हुआ था उसी के साथ सिनेमेटोग्राफी की बात करें दिप दीपक कुमार पाथी ने किया हुआ था एडिटिंग की हुई थी माधवन एम ने म्यूजिक दिया हुआ था सबीर ने तो म्यूजिक डायरेक्टर और कुछ कास्टिंग भी फिल्म की सेम नजर आ रही है दिलंकु दुंदुत फिल्म को हैंडमेड फिल्म्स प्रोडक्शन कंपनी के नीचे सांतनम के द्वारा ही प्रोड्यूस किया गया था जो फिल्म के लीड एक्टर थे इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया था ट्रेड एंड आर्ट ने दिलंकुंदुत मूवी को सात फरवरी दो को पूरे इंडिया में तमिल लैंग्वेज में रिलीज किया गया था सांतनम के करियर की सबसे बड़ी हिट फिल्म साबित हुई इस फिल्म को टोटल चालीस दिन में शूट किया गया था और ये दिलंकु धुंदुतु जो दो हजार सोलह में फिल्म थी उसका ये सिक्वल है जिसका पहला पार्ट यानी किस को राजमहल थ्री के नाम से 2017 में गोलमाइन स्टेल फिल्म्स के द्वारा डब करवाया गया था और वो फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर अच्छा खासा कलेक्शन कर गई थी जिसकी रिमेक भी बनी थी 2019 में गिमिक के नाम से जो कन्नडा रिमेक थी जिसके लीड रोल में थे सुपरस्टार गणेश को टोटल 12 करोड़ कलेक्शन मिला था बॉक्स ऑफिस पे उसके बाद इस फिल्म का सिक्वल 2019 में बना गया जो भी काफी बड़ा सक्सेसफुल साबित हुआ दूसरे पार्ट का रिमेक राजू गरी थ्री के नाम से हिंदी में बनाया गया राजू गरी थ्री की कहानी की बात करे तो फिल्म में अश्विन और उसका मामा जो हैप्पी गो लकी वाले पर्सन है और वो अपने कॉलोनी में काफ़ी न्यूसेंस फैलाते रहते अपने नेबर को पीने के बाद काफ़ी परेशान करते रहते तो उनके नेबर्स जो भी पड़ोसी थे तो वो कई अलग अलग टेक्निक अपनाते थे इन दोनों को भगाने के लिए लेकिन कोई भी टेक्निक काम नहीं आ रही थी आखिर में उनको एक ऐसा पॉइंट मिला जहाँ पे वो एक मिस्टीरियस घोष के थ्रू उनको डरा के उसके पीछे पड़वाना चाहते जिसके कारण वो दोनों उस कॉलोनी को छोड़ के चले जाए उसके बाद पूरी फिल्म की कहानी इस तरह से सेट की है जिसकी वजह से वहां पे हॉरर और कॉमेडी दोनों एलिमेंट हमें देखने को मिलता है फिल्म की कहानी डिसेंट है उसमें उतना कुछ नयापन तो नहीं है लेकिन जिस तरह से कॉमेडी सीक्वेंस सेट किए हुए वो बढ़िया है फिल्म के हॉरर कॉमेडी सीक्वेंस का कॉम्बो अच्छी तरह से सेट किया हुआ खास करके कॉमेडी वाला सीक्वेंस जिस तरह से अश्विनी का कैरेक्टर लिखा हुआ है अजय घोष का कैरेक्टर वो दोनों कैरेक्टर आपको ज़रूर हंसाने में कामयाब रहती है साथ ही में फिल्म की डबिंग भी वही बढ़िया लेवल की की हुई है गोलमाइंस के द्वारा जिसकी वजह से वो देखने में मज़ा आता है रा इसका जो दूसरा जिसका ये रीमेक है दिलंग दिलंकुदुंदो टू का उस फिल्म से इस फिल्म को शायद शायद तक सेम टू सेम बनाया गया है अश्विन बाबू और अविका गौर अपने एक शानदार परफॉर्मेंस डिलीवर करते हुए नजर आते हैं और अश्विन बाबू ने इस फिल्म में ये इस, इस सीरीज़ में इनकी कंटिन्यू तीसरी फिल्म में इससे पहले उन उन्होंने पहले पार्ट में लीड किया था उसके बाद दूसरे पार्ट में नागार्जुन और समन्था के साथ उन्होंने काम किया हुआ था और तीसरा पार्ट ये इस फिल्म की कास्टिंग की बात करें तो अश्विन बाबू हमें अश्विन के रोल में दिखाई देते हैं वहीं अविका गौर हमें माया का रोल में दिखाई देती है उर्वशी राजमाता के रोल में दिखाई देती है वहीं अली अश्विन के दोस्त का यानी फ्रेंड का या मामा का किरदार निभाते हुए नजर आते उसी के साथ ब्रह्मा जी जो एक डॉक्टर के रोल में दिखाई देते हैं वहीं पे अजय घोष जो गरुड़ा राज भत्तरी का रोल प्ले हैं प्रभा श्रीनु हरि तेजा धनराज श्रीनु श्रीनुनेहा गुप्ता के एक का एक आइटम नंबर है राधिका एस मायावन जिसका आइटम गर्ल के तौर पे दूसरे आइटम गर्ल के तौर पे वो नागद्दी लोकी सॉन्ग में दिखाई देती है दूसरे बाकी के सभी लोग कॉलोनी मेंबर या कुछ ना कुछ सपोर्टिंग आर्टिस्ट में दिखाई देते है जिनके म्यूजिक की बात करें तो सबीर के द्वारा इस फिल्म का म्यूजिक कम्पोज किया गया है जिन्होंने इस फिल्म का जो ओरिजिनल वर्जन है यानी कि दिलंग कु उसमें भी उन्होंने ही म्यूजिक दिया हुआ था इस फिल्म का गाना ना गतिरो कर रा कर लिरिक्स श्री मनी ने लिखा हुआ है और परफॉर्म किया हुआ है एम एस मानसी ने और श्री वर्जिनी तनुश्री नटराजन मिराया वर्मा एल वी रेवंत और खुद सबीर ने इस फिल्म को क्रिटिक्स और ऑडियंस की तरफ से मिक्स रिस्पांस मिला था खास करके क्रिटिक्स को इस फिल्म से थोड़ा का कम कॉमेडी ट्रैक में वो सब पसंद आया था वहीं पे ऑडियंस को कुछ ऑडियंस को ज़्यादा मज़ा आया था फिल्म से लेकिन कुछ ऑडियंस को ठीक ठाक लगी थी इस फिल्म को राजू गरी टू जो 2013 में 2017 में रिलीज की गई थी उसका प्रिक्वल माना जाता है इसके अलावा इस फिल्म के हम सीरीज़ की बात करें तो पहली इस इस इसके अलावा फिल्म की सीरीज की बात करें तो सबसे पहली फिल्म यानी कि राजू गरी गधी थ्री राजू गरी गदी थ्री फिल्म इस फिल्म सीरीज की पहली सीरीज फे, पहली फिल्म है जिसके राइटर डायरेक्टर ओमकार है प्रोड्यूस किया हुआ है वाराही चालन चित्रम ने और इस फिल्म को यानी कि राजू गरी गदी वन को वारा ललन चित्रम ए के एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड ओके एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी प्रोडक्शन कंपनी के नीचे प्रोड्यूस किया गया है जिसका म्यूजिक दिया हुआ है साहे कार्तिक ने सिनेमेटोग्राफी की हुए ग्नम ने और एडिटिंग की हुई नागराज ने राजू गरी गदी थ्री जो दो हज़ार सत्रह दो हज़ार पंद्रह की तेलुगु लैंग्वेज हॉरर कॉमेडी फिल्म है जिसको लिखा और डीर किया ओमकार ने और फिल्म के लीड रोल में देखने को मिले थे असविन बाबू और धान्या कृष्णा सपोर्टिंग कास्ट की बात करें चेतन ची चीनू पोषाणी कृष्णा मुरली धनराज राजीव कनकाला विजुलेखा रमन और साथ ही में ईशान्या महेश्वरी इस फिल्म का बजट करीबन तीर तीन करोड़ था और जिस टाइम इस फिल्म को रिलीज़ सोलह अक्टूबर दो हज़ार पंद्रह को रिलीज़ किया गया था तब पूरे इंडिया में तेलुगू लैंग्वेज में 135 मिनट के रन टाइम के साथ इसको रिलीज़ किया गया था जिसको 18 करोड़ तक बॉक्स ऑफिस पे कलेक्शन मिला हुआ था और उसके बाद ये फ़िल्म बॉक्स ऑफिस पे अच्छा खासा कलेक्शन करने की वजह से काफ़ी बढ़िया तरीके से ब्लॉकबस्टर साबित गिनी गई गिनी गई थी इस फिल्म की हिंदी राइड शोल आउट किए थे तेजी एंटरटेनमेंट ने जिन्होंने राजा साहेब का कमरा के नाम से फिल्म को हिंदी में डब करवाया होता है उसी के साथ राजा गरी गदी फिल्म तमिल में मुदिंजा वालू के नाम से डब हुई थी वहीं बाद में इस फिल्म का सिक्वल बनाया गया जो 2017 में राजू गरी गदी टू के नाम से रिलीज किया गया वैसे राजू गरी गदी थ्री फिल्म जो ऑफिशियली वैसे तो राजू गरी गदी थ्री फिल्म की राजू गरी सीरीज़ है वो ज़्यादातर जैसे कि जिस इस फिल्म का जो दूसरा पार्ट यानी कि राजू गरी गदी टू जिसको 2017 में तेलुगु लैंग्वेज में कॉमेडी हॉरर फिल्म सीरीज फिल्म के नाम से रिलीज किया गया था जिसको प्रोड्यूस किया होता प्रशांत वी पोटलोरी ने और पी वी पी सिनेमा और इन एंटरटेनमेंट ओक एंटरटेनमेंट बैनर के नीचे फिल्म को प्रोड्यूस किया गया था फिल्म को लिखा हुआ है अबूरी रवि ने खास करके डायलॉग स्क्रीन प्ले स्टोरी और डायरेक्शन किया हुआ है ओमकार ने फिल्म की ओरिजिनल स्टोरी थी रंजीत शंकर की ये फिल्म हकीकत में प्रथम फिल्म जो 2016 में मलयालम लैंग्वेज में आई थी जो एक हॉरर कॉमेडी ड्रामा फिल्म थी उसका ऑफिशियल रीमेक वर्जन है इसके बाद प्रेथम का भी दूसरा पार्ट आया था प्रेथम टू जिसको जिसको दो में रिलीज किया गया था प्रेथम फिल्म जो पहला पार्ट थी उसकी टेक्निकल टीम यानी कि फिल्म को लिखा और डेक्ट किया होता था रंजीत शंकर ने प्रोड्यूस रंजीत शंकर खुद कर रहे थे और जया सूर्या मिलकर जया सूर्या जो फिल्म के लीड एक्टर में थे उन्हीं के साथ अजू वर्गीज सराफोद्दीन श्रुति रामाचंद्रन गोविंद पद्म धर्माजन बोलकथी हरीश पेराडी ये सभी लोग देखने को मिलते हैं सिनेमाटोग्राफी की हुई थी जीतू दामोदर ने एडिटिंग की हुई थी वी साजन ने म्यूजिक दिया था आनंद मजदूसूदन ने प्रोडक्शन कंपनी ड्रीम एन के नीचे फिल्म को प्रोड्यूस किया गया था डिस्ट्रीब्यूटर थे फॉक्स स्टार स्टूडियो और सेंट्रल पिक्चर्स बारह अगस्त 2016 को फिल्म को रिलीज किया गया था जिसकी रनिंग टाइम थी 126 मिनट और पूरे इंडिया में मलयालम लैंग्वेज में इस फिल्म को रिलीज किया गया था जिसका करीब बजट साढ़े तीन करोड़ था और बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म में बम्पर कलेक्शन करके 18 करोड़ तक का कलेक्शन किया जिसका बाद में तेलुगु में रिमेक बन गया जिसका नाम था राजू गरी रोल में थे नागा अर्जुन समन था अक्की ने सीरत कपूर अभिनया राव रमेश अश्विन बाबू वेनेला किशोर ये सभी लोग फिल्म की कास्टिंग में सपोर्टिंग कास्ट की बात करें तो प्रवीण विधुलेका रमन नरेश अविनाश देवन नंदू तेजस्विनी मेदेवाड़ा नारायण राव नपूर्णा सत्या कृष्णा खान रवि वर्मा सकला शंकर गीता सिंह बेबी लासिया और शत्रु ये सभी लोग फिल्म में एज एक्टर काम कर रहे थे नागार्जुन रोधरा का रोल प्ले कर रहे थे समन्था किन अमृता का शीरत कपूर सुहानी शाह का रोल प्ले कर रही थी वहीं पे अभिनय किरण का रोल प्ले कर रहे राव रमेश ने परम धमिया का रोल प्ले किया हुआ है अश्विन बाबू ने अश्विन का किरदारी प्ले किया हुआ है बेनेला किशोर जो किशोर के रोल में दिखाई देते प्रवीण प्रवीण के ही रोल में दिखाई देते विद्युलेखा जिनको बेलम श्रीदेवी का किरदार दिया हुआ है नरेश जो एक फादर के रोल में दिखाई देते वहीं अविनाश एक प्रिस्ट के रोल में दिखाई दे देवन जिनको वाइस चांसलर ये चंद्रशेखर का किरदार दिया हुआ है नंदू को वही सेम नाम के साथ किरदार दिया हुआ है तेजस्वी मेदेवाड़ा को बाला का किरदार दिया हुआ है फिल्म में नारायण राव मास्टर का रोल प्ले कर रहे हैं अन्नपूर्णा वारा लक्ष्मी का सत्य सत्यकृष्णन लेक्चर का रोल प्ले कर रहे है लेक्चरर का रोल प्ले कर रही है, है मुक्तान खान जो कमिश्नर शरद चंद्र का रोल प्ले कर रही है और रवि वर्मा जो सत्ती का रोल प्ले करे सकला का शंकर जो बाला यशु का रोल प्ले करे वहीं गीता सिंह निम्मी बेबी लसिया अमृता चाइल्ड अमृता जो छोटी वाली बच्ची थी उसका और शत्रु एक गुंडे के रोल में दिखाई देते हैं राजू गरी टू फिल्म को काफ़ी हाई बजट के साथ बनाया गया था जिसका बजट करीबन 25 करोड़ था और फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 36 करोड़ का कलेक्शन किया था जिसके साथ ये फ़िल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई थी जिसको फिर क्रिटिक्स और ऑडियंस की तरफ से काफ़ी मिक्स रिस्पॉन्स मिला था और इसे एक पासिबल वॉच फिल्म कह सकते हैं इस टाइप की फिल्म को रिस्पॉन्स मिला था वैसे फिल्म एवरेज एवरेज ही थी और इस फिल्म का राजू गरी गधी टू को भी हिंदी में डब करवाया गया है जिसको हिंदी डब करवाया हुआ है जी एंटरटेनमेंट ने जिन्होंने शिवाजी सुपर हीरो टू के नाम से फिल्म को डब करवाया हुआ था जिनके पास पहला पार्ट था जिसका नाम था राजा साहेब का कमरा लेकिन उन्होंने इसको राजा साहेब का कमरा टू के नाम की बजाय फिल्म को नाम दिया हुआ था कि शिवाजी सुपर हीरो टू उसके बाद राजूगरी गधी टू को दो में रिलीज करने के बाद फिल्म को 2019 में तीसरा पार्ट लाया गया 2019 में जब इसका तीसरा पार्ट लाया गया था तब सभी लोगों का मानना था कि ये भी शायद रिमेक होगा और वैसा ही निकला फिल्म ऑफिशियली रीमेक निकली वैसे जो राजूगरी दुर्गति वन है जिसको जी एंटरटेनमेंट ने नहीं पर हॉस्ट यानी कि स्टार नेटवर्क वालों ने खरीदा हुआ था जिन्होंने इस फिल्म को राजा साहब का कमरा के नाम से रिलीज किया था उस वजह से दूसरा पार्ट जी एंटरटेनमेंट के पास था तो जिन्होंने इसको नाम बाद में शिवाजी सुपर हीरो टू दे दिया था और उसके बाद वो फिल्म जी फाइव भी ऑफिशियली देखने को मिलती है कहीं कहीं बार यूट्यूब पे भी अनऑफिशियली देखने को मिल जाती है अब बात कर हैं तीसरे से पार्ट की यानी कि राजी गरी गदी टू राजू गरी गदी थ्री जिसके राइट्स खरीदे हुए थे गोल माइन्स टेलीफिल्म ने जिन्होंने फिल्म को कंचना फोर के नाम से डब करवाया हुआ था क्योंकि राजू गरी गदी थ्री के राइट्स उनके पास थे लेकिन पहले दूसरे पार्ट्स के राइट्स उनके पास नहीं थे तो नाम वो सेम नहीं रखा पहले पार्ट्स के राइट्स थे हॉट स्टार नेटवर्क के पास जिन्होंने राजा साहब का कमरा नाम दिया उसके बाद उन्होंने उस फिल्म को ऑफिशियली हॉटस्टार पर अवेलेबल किया हुआ है हिंदी वर्जन में इसके अलावा राजू गरी गदी ट्रू जिसके राइट्स खरीदे हुए हैं जी एंटरटेनमेंट ने जिन्होंने फिल्म को शिवाजी सुपर हीरो टू जो नागार्जुन की शिवाजी सुपर हीरो सॉरी विक्रम की शिवाजी सुपर हीरो फिल्म थी उसका सिक्वल बना के रिलीज किया उसके बाद उसको उन्होंने जी फाइव ऑफिशियली हिंदी में अवेलेबल करा हुआ है और कई बार जी फाइव जी सिनेमा पे भी वो फिल्म आती रहती है उसके बाद राजू गरी गदीश्री जब 2019 में तेलुगू लैंग्वेज में आई तभी फिल्म के राइट्स गोलमेंस वालों ने ख़रीद लिए तो वो गोलम्स वाले वैसे भी उनकी ज़्यादातर हॉरर फिल्मों को कंचना के ही नाम से रिलीज़ करना पसंद करते कंचना का बदला कंचना की कार कंचना ही कंचना कंचना वन टू थ्री फोर कंचना रिटर्न्स द रिटर्न ऑफ कंचना ऐसे ही कहीं नाम है वहाँ पे कंचना जोड़ देते क्योंकि उनके पास कंचना सीरीज़ के पहले एक दो पार्ट्स खरीदे हुए जिस वजह से वो इस फिल्म को कंचना के नाम से रिलीज़ कर दे थे क्योंकि कंचना सीरीज़ काफ़ी सक्सेसफुल है हिंदी वर्जन में भी खास करके उसकी कॉमेडी और डबिंग की वजह से कंचना वन जो 2011 की फिल्म है राघव लॉरेंस वाली जो गोलमाइंस वालों ने डब करवाई हुई थी जिसको सेम नाम से डब करवाया तब काफ़ी अच्छा खासा रिस्पांस मिला था जिसकी वजह से बाद में कंचना टू जो तापसी पन्नू के साथ राघव लॉरेंस की थी उस फिल्म को भी गोलमाइंस वालों ने ख़रीद लिया जिन्होंने सेम नाम रखा होता जिसका नाम कंचना टू रखा लेकिन जब कंचना थ्री की बारी आई तब कंचना थ्री के राइट्स खरीद लिए जी एंटरटेनमेंट ने काफ़ी अच्छे खासे प्राइस में जिसकी वजह से वो कंचना थ्री को के थ्री काली का करिश्का करिश्मा के नाम से रिलीज किए उन्होंने कहा कि कंचना थ्री तमिल वर्जन है और हिंदी वर्जन में नाम दिया के थ्री काली का करिश्मा जिसको जी फाइव पर अवेलेबल किया हुआ है उसी के साथ ही यूट्यूब पर वो अनऑफिशियली कई बार देखने को मिल जाती है और केथरी काली का करिश्मा टेलीविजन पर भी कई बार आ चुकी है अब उस वजह से क्योंकि उसका मेन रीज़न था कंचना थ्री तो कंचना थ्री गोलमाइंस वालों के पास कंचना वन और टू के तो राइट्स थे ही उसी के साथ कंचना थ्री वो सभी फिल्मों को हॉरर फिल्मों को कंचना के नाम से रिलीज़ करवाते तो उन्होंने एक ब्रह्मो करके जो तापसी पन्नू की फिल्म थी जिसका पेट्रोमिक्स करके तमिल में को तमन्ना के साथ रिमेक भी बना था जो स्टार पर हिंदी वर्जन में अवेलेबल है सेम नाम के साथ जिसकी डबिंग भी अच्छी है और फ्री में अवेलेबल है और अनन्दो ब्रह्मो भी हिंदी डब वर्जन में गोल वालों ने ख़रीदा जिन्होंने यूट्यूब पर इस फिल्म को अवेलेबल किया हुआ है तो उन्होंने क्या किया कि उस फिल्म को दूसरा नाम देने की बजाय कंचना की सक्सेस को फिर से उसी सक्सेस के ऊपर से तर रोटी सेकने की वजह से उन्होंने इस फिल्म को कंचना थ्री नाम दे दिया जिसकी वजह से लोगों का अट्रैक्शन उस फिल्म के प्रति खींच जाए और सेम वैसा ही हुआ और वो फिल्म अच्छी खासी हिंदी वर्जन में व्यूज़ ले गई सौ मिलियन से ज़्यादा शायद व्यूज़ मिले हैं पे भी अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिला था अब उसके बाद आई कर राजूगरी सॉरी कंचना थ्री ओरिजिनल वाली तो वो राइट तो जी वालों ने ख़रीदे तो उनके पास कंचना थ्री के सेंसर बोर्ड सर्टिफिकेशन में नाम नहीं दे सकते जिस वजह से उन्होंने इस फिल्म को नाम दे दिया के थ्री कालिका करिश्मा और कोष्टक में लिख दिया था कंचना जिस वजह से बाद में वो फिल्म को कंचना थ्री दिया नाम गया और उसके बाद कंचना फोर अभी तक ऑफिशियली तो आई नहीं है लेकिन हिंदी फिर वेब सीरीज वे, हिंदी सीरीज है जो कंचना की वहाँ पे कंचना फोर भी आ चुकी है जिसको नाम दिया हुआ है राजू गरी गदी थ्री जो ऑफिशियली दिलंको को दो टू का रीमेक वर्जन है वैसे तो तमिल तमिल का ही रीमेक है जिस वजह से हॉरर फिल्म होने की वजह से कंचना फोर नाम के साथ गोलमाइंस वालों ने डप करवा दिया राइट्स खरीद के फिल्म को डब करवा दिया पहले ये फिल्म सोनी पे आने वाली थी लेकिन उसके बाद जब गोलमाइंस वालों ने अपनी ही टेलीविजन चैनल रिलॉन्च कर दी जिसका नाम था टिंचाक टेलीविजन चैनल जिस वजह से उन्होंने इस फिल्म को बाद में उस चैनल को थोड़ा उठाने के लिए उसकी टीआरपी गेन करने के लिए चैनल को लोगों की नज़र में लाने के लिए कई बड़ी बड़ी फिल्में रिलीज की है जैसे कि लकी माय नेम इज लकी जो बागे बागे मागा दी वो जिसको जिसका हिंदी डब वर्जन है जिसके रिलीड रोल में थे नानी और लावनया त्रिपाठी जो काफ़ी बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म थी तो वो फिल्म वहाँ पे रिलीज़ करवाई गई और वैसी कई फिल्में रिलीज़ करवाई गई थी और सोनी पे और दूसरे को राइट्स बेचे हुए थे उनके पास टेलीविज़न राइट्स फिर से ख़रीद कर गोल वालों ने अपनी ढिनचाक टेलीविज़न पे प्रीमियर करवाए हुए कई फिल्मों को भोजपुरी के राइट्स ख़रीद के उसको भोजपुरी में डब करके रिलीज़ करवाया हुआ है वहीं पर राजू गरी गदी थ्री के राइट्स उनके पास थे तो इस फिल्म को कंचना फोर नाम से उन्होंने ढिनचाक पे प्रीमियर करवाया वहाँ पे अच्छा खासा रिस्पांस मिला यूट्यूब पे भी गोलमाइस वालों ने इस फिल्म को ऑफिशियली अपलोड किया था लेकिन कुछ समय के बाद रिमूव कर दिया उसका रीज़न नहीं पता है उसके बाद वो फिल्म ढिन्चाक पर कहीं बार आई हुई है कहीं वेबसाइट पर भी अनऑफिशियली अवेलेबल है और कोई ऑफिशियली ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल नहीं है क्योंकि गोलमाइस वालों के पास कोई ऑफिशियल ओ टी प्लेटफॉर्म खुद का नहीं है तो उन्होंने यूट्यूब पे तो रिलीज़ करवाई थी लेकिन वो उन्होंने रिमूव कर दी उसके बाद कई लोगों ने इस फिल्म को कंचना फोर के नाम से राजूगरी गदी थ्री फिल्म को यूट्यूब पे ऑफिशियली अनऑफिशियली हिंदी डब में अवेलेबल किया हुआ था अभी भी कई बार वो फिल्म देखने को मिल जाती है जिसकी वजह से लोग वहीं से ही देख लेते हैं अदरवाइज इसको ढिंच टेलीविजन पे से देखने को मिल जाती है ये फिल्म तो इस हिसाब से इस फिल्म को देख लेते तो ये फिल्म अगर ऑफिशियली देखनी हो तो आपको ढीं प्रीमियर का शेड्यूल चेक करना पड़ेगा वहीं से ही आप ये फिल्म को ऑफिशियली देख सकते हो अदरवाइज गोलबाइंस वाले जब फिल्म को डब करवाएंगे सॉरी जब यूट्यूब पे प्रीमियर करवाएंगे तभी देख पाओगे इसके अलावा अनऑफिशियली तो आती रहती है अगर आप यूट्यूब तो वहीं से कहीं से भी देख सकते हो तो ये इस फिल्म का यही हिंदी डब वर्जन का काम है डबिंग तो काफी बढ़िया की हुई है वैसे गोलमाइंस की जो हॉरर फिल्मों की कॉमेडी के रिगार्डिंग जो हॉरर कॉमेडी फिल्मों की जो डबिंग है अभी तक काफी सक्सेसफुल साबित हुई है कंचना सीरीज की मेन रीजन वही है उनकी उसकी डबिंग जहां पे मराठी गुजराती हिंदी पंजाबी सभी मिक्स करके वो एक भोजपुरी सभी स्लैंग को मिक्स करके एक फिल्म को डब करवाते हैं वही वजह से फिल्म अच्छा खासा यूट्यूब पे और टेलीविजन पे काम कर जाती है तो कई उसी वजह से सभी चीजों को बढ़िया तरीके से रिस्पॉन्स मिल जाता है राजू गरी थ्री दो की तेलुगु लैंग्वेज हॉर कॉमेडी फिल्म है जिसको लिखा और डिरेक्ट किया हुआ है ओमकार ने फिल्म का स्क्रीन प्ले भी ओमकार ने ही किया हुआ है एक्चुअल स्टोरी है वो है साई माधव बुर्रा की फिल्म के प्रोड्यूसर की बात करें तो कल्याण चक्रवर्ती जिन्होंने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है ओ ए यानी कि ओक एंटरटेनमेंट्स के नीचे इस प्रोडक्शन कंपनी के नीचे कल्याण चक्रवर्ती फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है सिनेमेटोग्राफर की बात करें छोटा के नायडो की इस फिल्म में आपको सिनेमेटोग्राफी देखने को मिलेगी साथ ही में एडिटिंग हुए गौतम राजू ने म्यूजिक दिया हुआ है साबिर ने इस फिल्म के लीड कास्ट की बात करे तो फिल्म में आपको अश्विन बाबू अविका गोर और उर्वशी लीड रोल में देखने को मिलेंगे उन्हीं के साथ सपोर्टिंग कास्ट की बात करे तो अली ब्रह्मा जी अजय घोष प्रभाष श्रीनु हरि तेजा के शिवाशंकर धनराज गेटअप स्नेहा गुप्ता राधिका एस मायादेव वो सभी लोग सपोर्टिंग कास्ट में देखने को मिलेंगे तो यह फिल्म की कास्टिंग ये सभी आर्टिस्ट है जिन्होंने इस फिल्म में काम किया हुआ है इस फिल्म के रनिंग टाइम की बात करें तो फिल्म को 122 मिनट जितना बनाया गया है जिसको पूरे इंडिया में तेलुगु लैंग्वेज में 18 अक्टूबर 2019 को रिलीज किया गया था जिसका बजट करीबन 4 से 5 करोड़ था और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 12 करोड़ से भी ज्यादा का कलेक्शन किया था बात करें फिल्म के रिमेक वर्जन की तो ये फिल्म दिलंकु दुंदु टू नाम की जो तमिल मूवी है उसका ऑफिशियल रिमेक वर्जन है तिलंकु दुंदु टू की बात करें तो वो 2019 की ही तमिल लैंग्वेज हॉरर कॉमेडी फिल्म

तो म्यूजिक डायरेक्टर और कुछ कास्टिंग भी फिल्म की सेम नजर आ रही है दिलंकु दुंदुतु फिल्म को हैंडमेड फिल्म्स प्रोडक्शन कंपनी के नीचे सांतनम के द्वारा ही प्रोड्यूस किया गया था जो फिल्म के लीड एक्टर थे इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया था ट्रेड एंड आर्ट्स ने दिलंकुंदुतु मूवी को सात फरवरी दो को पूरे इंडिया में तमिल लैंग्वेज में रिलीज किया गया था सांतनम के करियर की सबसे बड़ी हिट फिल्म साबित हुई इस फिल्म को टोटल चालीस दिन में शूट किया गया था और ये दिलंकु दुंदुतु जो दो में फिल्म थी उसका ये सिक्वल है जिसका पहला पार्ट यानी कि किस जिसको राजमहल थ्री के नाम से 2017 में गोलमाइन स्टेल फिल्म्स के द्वारा डब करवाया गया था और वो फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर अच्छा खासा कलेक्शन कर गई थी जिसकी रिमेक भी बनी थी 2019 में गिमिक के नाम से जो कन्नडा रिमेक थी जिसके लीड रोल में थे सुपरस्टार गणेश सुपर को टोटल 12 करोड़ कलेक्शन मिला था बॉक्स ऑफिस पे उसके बाद इस फिल्म का सिक्वल 2019 में बना गया जो भी काफी बड़ा सक्सेसफुल साबित हुआ दूसरे पार्ट का रिमेक राजू गरी ग्री के नाम से हिंदी में बनाया गया राजू गरी ग्री की कहानी की बात करे तो फिल्म में अश्विन और उसका मामा जो हैप्पी गो लकी वाले पर्सन है और वो अपने कॉलोनी में काफ़ी न्यूसेंस फैलाते रहते अपने नेबर को पीने के बाद काफ़ी परेशान करते रहते तो उनके नेबर्स जो भी पड़ोसी थे तो वो कई अलग अलग टेक्निक अपनाते थे इन दोनों को भगाने के लिए लेकिन कोई भी टेक्निक काम नहीं आ रही थी आखिर में उनको एक ऐसा पॉइंट मिला जहाँ पे वो एक मिस्टीरियस घोष के थ्रू उनको डरा के उसके पीछे पड़वाना चाहते जिसके कारण वो दोनों उस कॉलोनी को छोड़ के चले जाए उसके बाद पूरी फिल्म की कहानी इस तरह से सेट की हुई जिसकी वजह से वहां पे हॉरर और कॉमेडी दोनों एलिमेंट हमें देखने को मिलता है फिल्म की कहानी डिसेंट है उसमें उतना कुछ नयापन तो नहीं है लेकिन जिस तरह से कॉमेडी सीक्वेंस सेट किए हुए वो बढ़िया है फिल्म के हॉरर कॉमेडी सीक्वेंस का कॉम्बो अच्छी तरह से सेट किया हुआ है खास करके कॉमेडी वाला सीक्वेंस जिस तरह से अश्विनी का कैरेक्टर लिखा हुआ है अजय घोष का कैरेक्टर वो दोनों कैरेक्टर आपको ज़रूर हंसाने में कामयाब रहती है साथ ही में फिल्म की डबिंग भी वही बढ़िया लेवल की की हुई है गोलमाइंस के द्वारा जिसकी वजह से वो देखने में मज़ा आता है रा इसका जो दूसरा जिसका ये रीमेक है दिलंग दिलंकुदुंदो टू का उस फिल्म से इस फिल्म को शायद शायद तक सेम टू सेम बनाया गया है अश्विन बाबू और अविका गौर अपने एक शानदार परफॉर्मेंस डिलीवर करते हुए नज़र आते हैं और अश्विन बाबू ने इस फिल्म में ये इस, इस सीरीज़ में इनकी कंटिन्यू तीसरी फिल्म में इससे पहले उन उन्होंने पहले पार्ट में लीड किया था उसके बाद दूसरे पार्ट में नागार्जुन और समन्था के साथ उन्होंने काम किया हुआ था और तीसरा पार्ट ये इस फिल्म की कास्टिंग की बात करें तो अश्विन बाबू हमें अश्विन के रोल में दिखाई देते हैं वहीं अविका गौर हमें माया का रोल में दिखाई देती है उर्वशी राजमाता के रोल में दिखाई देती है वहीं अली अश्विन के दोस्त का यानी फ्रेंड का या मामा का किरदार निभाते हुए नजर आते उसी के साथ ब्रह्मा जी जो एक डॉक्टर के रोल में दिखाई देते हैं वहीं पे अजय घोष जो गरुड़ा राज भत्तरी का रोल प्ले हैं प्रभा श्रीनु हरि तेजा धनराज गेटअप श्रीनु स्नेहा गुप्ता के एक आइटम नंबर है राधिका एस मायावन जिसका आइटम गर्ल के तौर पे दूसरे आइटम गर्ल के तौर पे वो लो की राय सॉन्ग में दिखाई देती है दूसरे बाकी के सभी लोग कॉलोनी मेंबर या कुछ ना कुछ सपोर्टिंग आर्टिस्ट में दिखाई देते हैं जिनके म्यूजिक की बात करें तो सबीर के द्वारा इस फिल्म का म्यूजिक कंपोज किया गया है जिन्होंने इस फिल्म का जो ओरिजिनल वर्जन है यानी कि दिलंग कु धुंधु उसमें भी उन्होंने ही म्यूजिक दिया हुआ था इस फिल्म का गाना ना गतिरो कर रा कर लिरिक्स श्री मनी ने लिखा हुआ है और परफॉर्म किया हुआ है एम एस मानसी ने और श्री वर्जिनी तनुश्री नटराजन मिराया वर्मा एल वी रेवंत और खुद सबीर ने इस फिल्म को क्रिटिक्स और ऑडियंस की तरफ से मिक्स रिस्पांस मिला था खास करके क्रिटिक्स को इस फिल्म से थोड़ा का कम कॉमेडी ट्रैक में वो सब पसंद आया था वहीं पे ऑडियंस को कुछ ऑडियंस को ज़्यादा मज़ा आया था फिल्म से लेकिन कुछ ऑडियंस को ठीक ठाक लगी थी इस फिल्म को राजू गरी गधी टू जो 2013 में 2017 में रिलीज की गई थी उसका प्रिक्वल माना जाता है इसके अलावा इस फिल्म के हम सीरीज़ की बात करें तो पहली इस, इस इसके अलावा फिल्म की सीरीज की बात करें तो सबसे पहली फिल्म यानी कि राजू गरी गधी थ्री राजूगरी गधी गदी थ्री फिल्म इस फिल्म सीरीज़ की पहली सीरीज फे पहली फिल्म है जिसके राइटर डायरेक्टर ओमकार है प्रोड्यूस किया हुआ है वाराही चालन चित्रम ने और इस फिल्म को यानी कि राजू गरी गदी वन को वारा लचलन चित्रम ए के एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड ओके एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी प्रोडक्शन कंपनी के नीचे प्रोड्यूस किया गया है जिसका म्यूजिक दिया हुआ है साहे कार्तिक ने सिनेमेटोग्राफी की हुए ग्नम ने और एडिटिंग की हुए नागराज ने राजू गरी गदी थ्री जो दो हज़ार सत्रह दो हज़ार पंद्रह की तेलुगु लैंग्वेज हॉरर कॉमेडी फिल्म है जिसको लिखा और डीर किया ओमकार ने और फिल्म के लीड रोल में देखने को मिले थे असविन बाबू और धान्या कृष्णा सपोर्टिंग कास्ट की बात करें चेतन ची चीनू पोषाणी कृष्णा मुरली धनराज राजीव कनकाला विजुलेखा रमन और साथ ही में ईशान्या महेश्वरी इस फिल्म का बजट करीबन तीर तीन करोड़ था और जिस टाइम इस फिल्म को रिलीज़ सोलह अक्टूबर दो हज़ार पंद्रह को रिलीज़ किया गया था तब पूरे इंडिया में तेलुगू लैंग्वेज में 135 मिनट के रन टाइम के साथ इसको रिलीज़ किया गया था जिसको 18 करोड़ तक बॉक्स ऑफिस पे कलेक्शन मिला हुआ था और उसके बाद ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे अच्छा खासा कलेक्शन करने की वजह से काफ़ी बढ़िया तरीके से ब्लॉकबस्टर साबित गिनी गई गिनी गई थी इस फिल्म की हिंदी राइड सोल्ड आउट की तेजी एंटरटेनमेंट ने जिन्होंने राजा साहेब का कमरा के नाम से फिल्म को हिंदी में डब करवाया होता है उसी के साथ राजा गरी गदी फिल्म तमिल में मुदिंजा वालू के नाम से डब हुई थी वहीं बाद में इस फिल्म का सिक्वल बनाया गया जो 2017 में राजू गरी गदी टू के नाम से रिलीज किया गया वैसे राजू गरी गदी थ्री फिल्म जो ऑफिशियली वैसे तो राजू गरी गदी थ्री फिल्म की राजू गरी फिल्म सीरीज है वो ज़्यादातर जैसे कि जिस इस फिल्म का जो दूसरा पार्ट यानी कि राजू गरी गदी टू जिसको 2017 में तेलुगु लैंग्वेज में कॉमेडी हॉरर फिल्म सीरीज फिल्म के नाम से रिलीज़ किया गया था जिसको प्रोड्यूस किया होता प्रशांत वी पोटलोरी ने और पी वी पी सिनेमा और इन एंटरटेनमेंट ओक एंटरटेनमेंट बैनर के नीचे फिल्म को प्रोड्यूस किया गया था फिल्म को लिखा हुआ है अबूरी रवि ने खास करके डायलॉग स्क्रीन प्ले स्टोरी और डायरेक्शन किया हुआ है ओमकार ने फिल्म की ओरिजिनल स्टोरी थी रंजीत शंकर की ये फिल्म हकीकत में प्रथम फिल्म जो 2016 में मलयालम लैंग्वेज में, में आई थी जो एक हॉरर कॉमेडी ड्रामा फिल्म थी उसका ऑफिशियल रीमेक वर्जन है इसके बाद प्रेथम का भी दूसरा पार्ट आया था प्रेथम टू जिसको जिसको दो में रिलीज किया गया था प्रेथम फिल्म जो पहला पार्ट थी उसकी टेक्निकल टीम यानी कि फिल्म को लिखा और डे किया होता रंजीत शंकर ने प्रोड्यूस रंजीत शंकर खुद कर रहे थे और जया सूर्या मिलकर जया सूर्या जो फिल्म के लीड एक्टर में थे उन्हीं के साथ अजय वर्गीज सराफोद्दीन श्रुति रामाचंद्रन गोविंद पदमा धर्माजन बोलकथी हरीश पेराडी ये सभी लोग देखने को मिलते हैं सिनेमाटोग्राफी की हुई थी जीतू दामोदर ने एडिटिंग की हुई थी वी साजन ने म्यूजिक दिया था आनंद मजदूसूदन ने प्रोडक्शन कंपनी ड्रीम एन के नीचे फिल्म को प्रोड्यूस किया गया था डिस्ट्रीब्यूटर थे फॉक्स स्टार स्टूडियो और सेंट्रल पिक्चर्स 12 अगस्त 2016 को फिल्म को रिलीज किया गया था जिसकी रनिंग टाइम थी 126 मिनट और पूरे इंडिया में मलयालम लैंग्वेज में इस फिल्म को रिलीज किया गया था जिसका करीबन बजट साढ़े तीन करोड़ था और बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म में बम्पर कलेक्शन करके 18 करोड़ तक का कलेक्शन किया जिसका बाद में तेलुगु में रिमेक बन गया जिसका नाम था राजू गरी गिखा डीरेक् ओमकार ने और फिल्म के लीड रोल में थे नागा अर्जुन समन था अक्की ने सीरत कपूर अभिनया राव रमेश अश्विन बाबू वेनेला किशोर ये सभी लोग फिल्म की कास्टिंग में सपोर्टिंग कास्ट की बात करें तो प्रवीण विधुलेका रमन नरेश अविनाश देवन नंदू तेजस्विनी मेदेवाड़ा नारायण राव नपूर्णा सत्या कृष्णा खान रवि वर्मा सकला शंकर गीता सिंह बेबी लासिया और शत्रु ये सभी लोग फिल्म में एज एक्टर काम कर रहे थे नागार्जुन रोधर का रोल प्ले कर रहे थे समन्था किन अमृता का शीरत कपूर सोहानी का रोल प्ले कर रहे थे वहीं पे अभिनाय किरण का रोल प्ले कर रहे राव रमेश ने का रोल प्ले किया हुआ है अश्विन बाबू ने अश्विन का किरदार ही प्ले किया हुआ है वेनेला किशोर जो किशोर के रोल में दिखाई देते दे प्रवीण प्रवीण के ही रोल में दिखाई देते विद्युलेखा जिनको बेलम श्रीदेवी का किरदार दिया हुआ है नरेश जो एक फादर के रोल में दिखाई देते थे वही अविनाश एक प्रिस्ट के रोल में दिखाई देते देवन जिनको वाइस चांसलर ये चंद्रशेखर का किरदार दिया हुआ है नंदू को वही सेम नाम के साथ किरदार दिया हुआ है तेजस्वी मेदेवाड़ा को बाला का किरदार दिया हुआ है फिल्म में नारायण राव मास्टर का रोल प्ले कर रहे हैं अन्नपूर्णा वारा लक्ष्मी का सत्य कृष्णन लेक्चर का रोल प्ले कर रहे हैं लेक्चरर का रोल प्ले कर रही है मुख्तान खान जो कमिश्नर शरत चंद्र का रोल प्ले कर रही है और रवि वर्मा जो सत्ती का रोल प्ले करे सकला का शंकर जो बाला यशु का रोल प्ले करे वहीं गीता सिंह निम्मी बेबी लसिया अमृता चाइल्ड अमृता जो छोटी वाली बच्ची थी उसका और शत्रु एक गुंडे के रोल में दिखाई देते राजू गरी टू फिल्म को काफ़ी हाई बजट के साथ बनाया गया था जिसका बजट करीबन 25 करोड़ था और फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 36 करोड़ का कलेक्शन किया था जिसके साथ ये फ़िल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई थी जिसको फिर क्रिटिक्स और ऑडियंस की तरफ से काफ़ी मिक्स रिस्पॉन्स मिला था और इसे एक पासिबल वॉच फिल्म कह सकते हैं इस टाइप की फिल्म को रिस्पॉन्स मिला था वैसे फिल्म एवरेज एवरेज ही थी और इस फिल्म का राजू गरी गदी टू को भी हिंदी में डब करवाया गया है जिसको हिंदी डब करवाया हुआ है जी एंटरटेनमेंट ने जिन्होंने शिवाधि सुपर हीरो टू के नाम से फिल्म को डब करवाया हुआ था जिनके पास पहला पार्ट था जिसका नाम था राजा साहेब का कमरा लेकिन उन्होंने इसको राजा साहेब का कमरा टू के नाम की बजाय फिल्म को नाम दिया हुआ था कि सिवाधि सुपर हीरो टू उसके बाद राजूगरी गधी टू को दो में रिलीज करने के बाद फिल्म को 2019 में तीसरा पार्ट लाया गया 2019 में जब इसका तीसरा पार्ट लाया गया था तब सभी लोगों का मानना था कि ये भी शायद रिमेक होगा और वैसा ही निकला फिल्म ऑफिशियली रीमेक निकली वैसे जो राजूगरी दुर्गति वन है जिसको जी एंटरटेनमेंट ने नहीं पर हॉस्ट यानी कि स्टार नेटवर्क वालों ने खरीदा हुआ था जिन्होंने इस फिल्म को राजा साहब का कमरा के नाम से रिलीज किया था उस वजह से दूसरा पार्ट जी एंटरटेनमेंट के पास था जिन्होंने इसको नाम बाद में शिवाजी सुपर हीरो टू दे दिया था और उसके बाद वो फिल्म जी फाइव भी ऑफिशियली देखने को मिलती है कहीं कहीं बार यूट्यूब पे भी अनऑफिशियली देखने को मिल जाती है अब बात कर हैं तीसरे से पार्ट की यानी कि राजी गरी गदी टू राजू गरी गदी थ्री जिसके राइट्स खरीदे हुए थे गोल माइन्स टेलीफिल्म ने जिन्होंने फिल्म को कंचना फोर के नाम से डब करवाया हुआ था क्योंकि राजू गरी गदी थ्री के राइट्स उनके पास थे लेकिन पहले दूसरे पार्ट्स के राइट्स उनके पास नहीं थे तो नाम वो सेम नहीं रखा पहले पार्ट्स के राइट्स थे हॉट स्टार नेटवर्क के पास जिन्होंने राजा साहब का कमरा नाम दिया उसके बाद उन्होंने उस फिल्म को ऑफिशियली हॉटस्टार पर अवेलेबल किया हुआ है हिंदी वर्जन में इसके अलावा राजू गरी गदी ट्रू जिसके राइट्स खरीदे हुए हैं जी एंटरटेनमेंट ने जिन्होंने फिल्म को शिवाजी सुपर हीरो टू जो नागार्जुन की शिवाजी सुपर हीरो सॉरी विक्रम की शिवाजी सुपर हीरो फिल्म थी उसका सिक्वल बना के रिलीज किया उसके बाद उसको उन्होंने जी फाइव पर ऑफिशियली हिंदी में अवेलेबल करा हुआ है और कई बार जी फाइव जी सिनेमा पे भी वो फिल्म आती रहती है उसके बाद राजू गरी गदी गदीश्री जब 2019 में तेलगू लैंग्वेज में आई तभी फिल्म के राइट्स गोलमेंस वालों ने ख़रीद लिए तो वो गोलम्स वाले वैसे भी उनकी ज़्यादातर हॉरर फिल्मों को कंचना के ही नाम से रिलीज़ करना पसंद करते कंचना का बदला कंचना की कार कंचना ही कंचना कंचना वन टू थ्री फोर कंचना रिटर्न्स द रिटर्न ऑफ कंचना ऐसे ही कहीं नाम है वहाँ पे कंचना जोड़ देते क्योंकि उनके पास कंचना सीरीज़ के पहले एक दो पार्ट्स खरीदे हुए जिस वजह से वो इस फिल्म को कंचना के नाम से रिलीज़ कर दे थे क्योंकि कंचना सीरीज़ काफ़ी सक्सेसफुल है हिंदी वर्जन में भी खास करके उसकी कॉमेडी और डबिंग की वजह से कंचना वन जो 2011 की फिल्म है राघव लॉरेंस वाली जो गोलमाइंस वालों ने डब करवाई हुई थी जिसको सेम नाम से डब करवाया तब काफ़ी अच्छा खासा रिस्पांस मिला था जिसकी वजह से बाद में कंचना टू जो तापसी पन्नू के साथ राघव लॉरेंस की थी उस फिल्म को भी गोलमाइंस वालों ने ख़रीद लिया जिन्होंने सेम नाम रखा होता जिसका नाम कंचना टू रखा लेकिन जब कंचना थ्री की बारी आई तब कंचना थ्री के राइट्स खरीद लिए जी एंटरटेनमेंट ने काफ़ी अच्छे खासे प्राइस में जिसकी वजह से वो कंचना थ्री को के थ्री काली का करिश्का करिश्मा के नाम से रिलीज किए उन्होंने कहा कि कंचना थ्री तमिल वर्जन है और हिंदी वर्जन में नाम दिया के थ्री काली का करिश्मा जिसको जी फाइव पर अवेलेबल किया हुआ है उसी के साथ यूट्यूब पे वो अनऑफिशियली कई बार देखने को मिल जाती है और केथरी काली का करिश्मा टेलीविजन पर भी कई बार आ चुकी है अब उस वजह से क्योंकि उसका मेन रीज़न था कंचना थ्री तो कंचना थ्री गोलमाइंस वालों के पास कंचना वन और टू के तो राइट्स थे ही उसी के साथ कंचना थ्री वो सभी फिल्मों को हॉरर फिल्मों को कंचना के नाम से रिलीज़ करवाते तो उन्होंने एक ब्रह्मो करके जो तापसी पन्नू की फिल्म थी जिसका पेट्रोमिक्स करके तमिल में को तमन्ना के साथ रिमेक भी बना था जो स्टार पर हिंदी वर्जन में अवेलेबल है सेम नाम के साथ जिसकी डबिंग भी अच्छी है और फ्री में अवेलेबल है और अनन्दो ब्रह्मो भी हिंदी डब वर्जन में गोलमाइंस वालों ने ख़रीदा जिन्होंने यूट्यूब पर इस फिल्म को अवेलेबल किया हुआ है तो उन्होंने क्या किया कि उस फिल्म को दूसरा नाम देने की बजाय कंचना की सक्सेस को फिर से उसी सक्सेस के ऊपर से तर रोटी सेकने की वजह से उन्होंने इस फिल्म को कंचना थ्री नाम दे दिया जिसकी वजह से लोगों का अट्रैक्शन उस फिल्म के प्रति खींच जाए और सेम वैसा ही हुआ और वो फिल्म अच्छी खासी हिंदी वर्जन में व्यूज़ ले गई सौ मिलियन से भी ज़्यादा शायद व्यूज़ मिले टीवी पे भी अच्छा खासा रिस्पांस मिला था अब उसके बाद आई कर राजूगरी सॉरी कंचना थ्री ओरिजिनल और वाली तो वो राइट तो जी वालों ने ख़रीदे तो उनके पास कंचना थ्री के सेंसर बोर्ड सर्टिफिकेशन में नाम नहीं दे सकते जिस वजह से उन्होंने इस फिल्म को नाम दे दिया के थ्री कालिका करिश्मा और कोष्टक में लिख दिया था कंचना जिस वजह से बाद में वो फिल्म को कंचना थ्री दिया नाम गया और उसके बाद कंचना फोर अभी तक ऑफिशियली तो आई नहीं है लेकिन हिंदी फिर वेब सीरीज हिंदी सीरीज है जो कंचना की वहाँ पे कंचना फोर भी आ चुकी है जिसको नाम दिया हुआ है राजू गरी गदी थ्री जो ऑफिशियली दिलंको को दो टू का रीमेक वर्जन है वैसे तो तमिल तमिल का ही रीमेक है जिस वजह से हॉरर फिल्म होने की वजह से कंचना फोर नाम के साथ गोलमाइंस वालों ने डप करवा दिया राइट्स खरीद के फिल्म को डब करवा दिया पहले ये फिल्म सोनी पे आने वाली थी लेकिन उसके बाद जब गोलमाइंस वालों ने अपनी ही टेलीविजन चैनल रिलॉन्च कर दी जिसका नाम था टिंचाक टेलीविजन चैनल जिस वजह से उन्होंने इस फिल्म को बाद में उस चैनल को थोड़ा उठाने के लिए उसकी टीआरपी गेन करने के लिए चैनल को लोगों की नज़र में लाने के लिए कई बड़ी बड़ी फिल्में रिलीज की है जैसे कि लकी माय नेम इज लकी जो बागे बागे मागा दी वो ही जिसक, जिसका हिंदी डब वर्जन है जिसके लीड रोल में थे नानी और लावनया त्रिपाठी जो काफ़ी बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म थी तो वो फिल्म वहाँ पे रिलीज़ करवाई गई और वैसी कई फिल्में रिलीज़ करवाई गई थी और सोनी पे और दूसरे को राइट्स बेचे हुए थे उनके पास टेलीविज़न राइट्स फिर से ख़रीद कर गोल वालों ने अपने ढिन चाक टेलीविज़न पे प्रीमियर करवाए हुए कई फिल्मों को भोजपुरी के राइट्स ख़रीद के उसको भोजपुरी में डब करके रिलीज़ करवाया हुआ है वहीं पर राजू गरी गदी थ्री के राइट्स उनके पास थे तो इस फिल्म को कंचना फोर नाम से उन्होंने ढिनचाक पे प्रीमियर करवाया वहाँ पे अच्छा खासा रिस्पांस मिला यूट्यूब पे भी गोल माई ने इस फिल्म को ऑफिशियली अपलोड किया था लेकिन कुछ समय के बाद रिमूव कर दिया उसका रीज़न नहीं पता है उसके बाद वो फिल्म ढिन्चाक पर कहीं बार आई हुई है कहीं वेबसाइट पर भी अनऑफिशियली अवेलेबल है और कोई ऑफिशियली ओ टी प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल नहीं है क्योंकि गोलमाइस वालों के पास कोई ऑफिशियल ओ टी प्लेटफॉर्म खुद का नहीं है तो उन्होंने यूट्यूब पे तो रिलीज़ करवाई थी लेकिन वो उन्होंने रिमूव कर दी उसके बाद कई लोगों ने इस फिल्म को कंचना फोर के नाम से राजू गरी ग्री फिल्म को यूट्यूब पर ऑफिशियली अनऑफिशियली हिंदी डब में अवेलेबल किया हुआ था अभी भी कई बार वो फिल्म देखने को मिल जाती है जिसकी वजह से लोग वहीं से ही देख लेते अदरवाइज़ इसको ढीनचाक टेलीविज़न पे से देखने को मिल जाती है ये फिल्म तो इस हिसाब से इस फिल्म को देख लेते तो ये फिल्म अगर ऑफिशियली देखनी हो तो आपको ढिनचा टेलीविज़न प्रीमियर का शेड्यूल चेक करना पड़ेगा वहीं से ही आप ये फिल्म को ऑफिशियली देख सकते हो अदरवाइज़ गोलबाइंस वाले जब फिल्म को डब करवाएंगे सॉरी जब यूट्यूब पर प्रीमियर करवाएंगे तभी देख पाओगे इसके अलावा अनऑफिशियली तो आती रहती है अगर आप यूट्यूब पर अनऑफिशियली देख सकते हो तो वहीं से कहीं से भी देख सकते हो तो इस फिल्म का यही हिंदी डब वर्जन का काम है

की तेलुगु लैंग्वेज हॉरर कॉमेडी फिल्म है जिसको लिखा और डायरेक्ट किया हुआ है ओमकार ने फिल्म का स्क्रीन प्ले भी ओमकार ने ही किया हुआ है एक्चुअल स्टोरी वो है साई माधव बुर्रा की फिल्म के प्रोड्यूसर की बात करें तो कल्याण चक्रवर्ती जिन्होंने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है ओ के यानी की ओक एंटरटेनमेंट के नीचे इस प्रोडक्शन कंपनी के नीचे कल्याण चक्रवर्ती ने फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है सिनेमेटोग्राफर की बात करें छोटा के नायडो की इस फिल्म में आपको सिनेमेटोग्राफी देखने को मिलेगी साथ एडिटिंग की हुए गौतम राजू ने म्यूजिक दिया हुआ साबिर ने इस फिल्म के लीड कास्ट की बात करें तो फिल्म में आपको अश्विन बाबू अविका गोर और उर्वशी लीड रोल में देखने को मिलेंगे उन्हीं के साथ सपोर्टिंग कास्ट की बात करे तो अली ब्रह्मा जी अजय घोष प्रभाष श्रीनु हरि तेजा के शिवाशंकर धनराज गेटअप स्नेहा गुप्ता राधिका एस माया देव वो सभी लोग सपोर्टिंग कास्ट में देखने को मिलेंगे तो यह फिल्म की कास्टिंग ये सभी आर्टिस्ट है जिन्होंने इस फिल्म में काम किया हुआ है इस फिल्म के रनिंग टाइम की बात करें तो फिल्म को 122 मिनट जितना बनाया गया है जिसको पूरे इंडिया में तेलुगु लैंग्वेज में 18 अक्टूबर 2019 को रिलीज किया गया था जिसका बजट करीबन चार से पांच करोड़ था और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 12 करोड़ से भी ज्यादा का कलेक्शन किया था बात करें फिल्म के रीमेक वर्जन की तो ये फिल्म दिलंकु दुंदू टू नाम की जो तमिल मूवी है उसका ऑफिशियल रीमेक वर्जन है दिलंकु दुंदु टू की बात करें तो वो 2019 की ही तमिल लैंग्वेज हॉरर कॉमेडी फिल्म थी जिसको लिखा और किया था राम बाला ने फिल्म के लीड कास्ट में वो वहां पे देखने को मिले थे शांता नाम श्रीता शिवादास दीप्ति सपोर्टिंग कास्ट की बात करें तो राजेंद्रन बिपिन उर्वशी ये सभी लोग सपोर्टिंग कास्ट में देखने को मिले थे इस फिल्म का राइटिंग डिरेक्शन रामबाला ने किया हुआ था उसी के साथ सिनेमेटोग्राफी की बात करें दिप दीपक कुमार पाथी ने किया हुआ था एडिटिंग की हुई थी माधवन एम ने म्यूजिक दिया हुआ था सबीर ने तो म्यूजिक डायरेक्टर और कुछ कास्टिंग भी फिल्म की सेम नजर आ रही है दिलंकु दुंदुत फिल्म को हैंडमेड फिल्म्स प्रोडक्शन कंपनी के नीचे सांतनम के द्वारा ही प्रोड्यूस किया गया था जो फिल्म के लीड एक्टर थे इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ था ट्रीड आर्ट्स ने दिलंकु धुंदुत्व मूवी को सात फरवरी दो को पूरे इंडिया में तमिल लैंग्वेज में रिलीज किया गया था सांतनम के करियर की सबसे बड़ी हिट फिल्म साबित हुई इस फिल्म को टोटल चालीस दिन में शूट किया गया था और ये दिलंकु धुंदुतु जो दो में फिल्म थी उसका ये सिक्वल है जिसका पहला पार्ट यानी कि दिलंग कुतुंदू टू जिसको राजमहल थ्री के नाम से 2017 में गोलमाइ स्टेल फिल्म्स के द्वारा डब करवाया गया था और वो फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर अच्छा खासा कलेक्शन कर गई थी जिसकी रीमेक भी बनी थी 2019 में गेमिक के नाम से जो कन्नडा रीमेक थी जिसके लीड रोल में थे सुपरस्टार गणेश तिलंकू दुंदु वन को टोटल 12 करोड़ कलेक्शन मिला था बॉक्स ऑफिस पे उसके बाद इस फिल्म का सिक्वल 2019 में बना गया जो भी काफी बड़ा सक्सेसफुल साबित हुआ दूसरे पार्ट का रीमेक राजू गरी गजी थ्री के नाम से हिंदी में बनाया गया राजू गरी गजी थ्री की कहानी की बात करे तो फिल्म में अश्विन और उसका मामा जो हैप्पी गो लकी वाले पर्सन है और वो अपने कॉलोनी में काफी न्यूसेंस फैलाते रहते अपने नेबर को पीने के बाद काफी परेशान करते रहे थे तो उनके नेबर्स जो भी पड़ोसी थे तो वो कई अलग अलग टेक्निक अपनाते थे इन दोनों को भगाने के लिए लेकिन कोई भी टेक्निक काम नहीं आ रही थी आखिर में उनको एक ऐसा पॉइंट मिला जहाँ पे वो एक मिस्टीरियस घोष के थ्रू उनको डरा के उसके पीछे पड़वाना चाहते जिसके कारण वो दोनों उस कॉलोनी को छोड़ के चले जाए उसके बाद पूरी फिल्म की कहानी इस तरह से सेट की हुए जिसकी वजह से वहां पे हॉरर और कॉमेडी दोनों एलिमेंट हमें देखने को मिलता है फिल्म की कहानी डिसेंट है उसमें उतना कुछ नयापन तो नहीं है लेकिन जिस तरह से कॉमेडी सिक्वेंस सेट किए हुए वो बढ़िया है फिल्म के हॉरर कॉमेडी सिक्वेंस का कॉम्बो अच्छी तरह से सेट किया हुआ खास करके कॉमेडी वाला सीक्वेंस जिस तरह से अश्विनी का कैरेक्टर लिखा हुआ है, अजय घोष का कैरेक्टर वो दोनों कैरेक्टर आपको ज़रूर हंसाने में कामयाब रहती है साथ ही में फ़िल्म की डबिंग भी वही बढ़िया लेवल की की हुई है गोलमाइंस के द्वारा जिसकी वजह से वो देखने में मज़ा आता है रा इसका जो दूसरा जिसका ये रीमेक है दिलंकु धुंदो टू का उस फिल्म से इस फिल्म को शायद शायद तक सेम टू सेम बनाया गया है अश्विन बाबू और गौर अपने एक शानदार परफॉर्मेंस डिलीवर करते हुए नजर आते हैं और अश्विन बाबू ने इस फिल्म में ये इस, इस सीरीज़ में इनकी कंटिन्यू तीसरी फिल्म में इससे पहले उन उन्होंने पहले पार्ट में लीड किया था उसके बाद दूसरे पार्ट में नागार्जुन और समन्था के साथ उन्होंने काम किया हुआ था और तीसरा पार्ट ये इस फिल्म की कास्टिंग की बात करें तो अश्विन बाबू हमें अश्विन के रोल में दिखाई देते हैं वहीं अविका गौर हमें माया का रोल में दिखाई देती है उर्वशी राजमाता के रोल में दिखाई देती है वहीं अली अश्विन के दोस्त का यानी फ्रेंड का या मामा का किरदार निभाते हुए नजर आते उसी के साथ ब्रह्मा जी जो एक डॉक्टर के रोल में दिखाई देते हैं वहीं पे अजय घोष जो गरुड़ा राज पत्थरी का रोल प्ले हैं प्रभा श्रीनु हरि तेजा धनराज गेटअप श्रीनु स्नेहा गुप्ता के एक आइटम नंबर है राधिका एस मायावन जिसका आइटम गर्ल के तौर पर दूसरे आइटम गर्ल के तौर पर वो नागद्दी लोकी सॉन्ग में दिखाई देती है दूसरे बाकी के सभी लोग कॉलोनी मेंबर या कुछ ना कुछ सपोर्टिंग आर्टिस्ट में दिखाई देते हैं फिल्म के म्यूजिक की बात करें तो सबीर के द्वारा इस फिल्म का म्यूजिक कंपोज किया गया है जिन्होंने इस फिल्म का जो ओरिजिनल वर्जन है यानी कि धिलंग कु धुंधो टू उसमें भी उन्होंने ही म्यूजिक दिया हुआ था इस फिल्म का गाना ना गति रो कर रा कर लिरिक्स श्री मनी ने लिखा हुआ है और परफॉर्म किया हुआ है एम एस मानसी ने और श्री वर्जिनी तनुश्री नटराजन मिराया वर्मा एल वी रेवंत और खुद सबीर ने इस फिल्म को क्रिटिक्स और ऑडियंस की तरफ से मिक्स रिस्पांस मिला था खास करके क्रिटिक्स को इस फिल्म से थोड़ा का कम कॉमेडी ट्रैक में वो सब पसंद आया था वहीं पे ऑडियंस को कुछ ऑडियंस को ज़्यादा मज़ा आया था फिल्म से लेकिन कुछ ऑडियंस को ठीक ठाक लगी थी इस फिल्म को राजू गरी ग तेरह में 2013 में 2017 में रिलीज की गई थी उसका प्रिक्वल माना जाता है इसके अलावा इस फिल्म के हम सीरीज़ की बात करें तो पहली इस इस इसके अलावा फिल्म की सीरीज की बात करें तो सबसे पहली फिल्म यानी कि राजू गरी ग थ्री राजू गरी गदी थ्री फिल्म इस फिल्म सीरीज की पहली सीरीज पहली फिल्म है जिसके राइटर डायरेक्टर ओमकार है प्रोड्यूस किया हुआ है वाराही चालन चित्रम ने और इस फिल्म को यानी कि राजू गरी गदी वन को वारा लचलन चित्रम एक एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड ओके एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी प्रोडक्शन कंपनी के नीचे प्रोड्यूस किया गया है जिसका म्यूजिक दिया हुआ है साई कार्तिक ने सिनेमेटोग्राफी की हुए ग् नानम ने और एडिटिंग की हुए नागराज ने राजू गरी गदी थ्री जो दो हजार सत्रह दो हज़ार पंद्रह की तेलगु लैंग्वेज हॉरर कॉमेडी फिल्म है जिसको लिखा और डिरेक्ट किया ओमकार ने और फिल्म के लीड रोल में देखने को मिले थे असविन बाबू और धान्या कृष्णा सपोर्टिंग कास्ट की बात करें चेतन ची थी, चीनू पोषा कृष्णा मुरली धनराज राजीव कनकाला विजुलेखा रमन और साथ ही में ईशान्या महेश्वरी इस फिल्म का बजट करीबन तीर तीन करोड़ था और जिस टाइम इस फिल्म को रिलीज 16 अक्टूबर 2015 को रिलीज़ किया गया था तब पूरे इंडिया में तेलुगु लैंग्वेज में 135 मिनट के रन टाइम के साथ इसको रिलीज़ किया गया था जिसको 18 करोड़ तक बॉक्स ऑफिस पे कलेक्शन मिला हुआ था और उसके बाद ये फ़िल्म बॉक्स ऑफिस पे अच्छा खासा कलेक्शन करने की वजह से काफ़ी बढ़िया तरीके से ब्लॉकबस्टर साबित गिनी गई गिनी गई थी इस फिल्म के हिंदी राइट सोल्ड आउट के तेजी एंटरटेनमेंट ने जिन्होंने राजा साहेब का कमरा के नाम से फिल्म को हिंदी में डब करवाया होता है उसी के साथ राजा गरी गदी फिल्म तमिल में मुंदिंजा वालू के नाम से डब हुई थी वहीं बाद में इस फिल्म का सिक्वल बनाया गया जो 2017 में राजू गरी गदी टू के नाम से रिलीज किया गया वैसे राजू गरी गदी थ्री फिल्म जो ऑफिशियली वैसे तो राजू गरी गदी थ्री फिल्म की राजू गरी गदी फिल्म सीरीज है वो ज़्यादातर जैसे कि जिस इस फिल्म का जो दूसरा पार्ट यानी कि राजू गरी गधि टू जिसको 2017 में तेलुगु लैंग्वेज में कॉमेडी हॉरर फिल्म सीरीज फिल्म के नाम से रिलीज किया गया था जिसको प्रोड्यूस किया होता प्रशांत वी पोटलोरी ने और पी वी पी सिनेमा और मेटिन एंटरटेनमेंट ओक एंटरटेनमेंट बैनर के नीचे फिल्म को प्रोड्यूस किया गया था फिल्म को लिखा हुआ है अबूरी रवि ने खास करके डायलॉग स्क्रीन प्ले स्टोरी और डायरेक्शन किया हुआ है ओमकार ने फिल्म की ओरिजिनल स्टोरी थी रंजीत शंकर की यह फिल्म हकीकत में प्रथम फिल्म जो 2016 में मलयालम लैंग्वेज में आई थी जो एक हॉरर कॉमेडी ड्रामा फिल्म थी उसका ऑफिशियल रीमेक वर्जन है इसके बाद प्रेथम का भी दूसरा पार्ट आया था प्रीथम टू जिसको जिसको दो में रिलीज किया गया था प्रेथम फिल्म जो पहला पार्ट थी उसकी टेक्निकल टीम यानी कि फिल्म को लिखा और डे किया होता रंजीत शंकर ने प्रोड्यूस रंजीत शंकर खुद कर रहे थे और जया सूर्या मिलकर जया सूर्या जो फिल्म के लीड एक्टर में थे उन्हीं के साथ अजू वर्गीज सराफुद्दीन श्रुति रामाचंद्रन गोविंद पदमा धर्माजन बोलकथी हरीश पेराडी ये सभी लोग देखने को मिलते हैं सिनेमेटोग्राफी की हुई थी जीतू दामोदर ने एडिटिंग की हुई थी वी साजन ने म्यूजिक दिया था आनंद मधुसूदन ने प्रोडक्शन कंपनी ड्रीम के नीचे फिल्म को प्रोड्यूस किया गया था डिस्ट्रीब्यूटर थे फॉक्स स्टार स्टूडियो और सेंट्रल पिक्चर्स 12 अगस्त 2016 को फिल्म को रिलीज किया गया था जिसकी रनिंग टाइम थी 126 मिनट और पूरे इंडिया में मलयालम लैंग्वेज में इस फिल्म को रिलीज किया गया था जिसका करीब बजट साढ़े तीन करोड़ था और बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म में बम्पर कलेक्शन करके 18 करोड़ तक का कलेक्शन किया जिसका बाद में तेलुगु में रिमेट रीमेक बन गया जिसका नाम था राजू गरी गिखा हुआ ओमकार ने और फिल्म के लीड रोल में थे नागा अर्जुन था अक्की ने सीरत कपूर अभिनया राव रमेश अश्विन बाबू वेनेला किशोर ये सभी लोग फिल्म की कास्टिंग में सपोर्टिंग कास्ट की बात करें तो प्रवीण विधुलेकार रमन नरेश अविनाश देवन नंदू तेजस्विनी मेदेवाड़ा नारायण राव नपूर्णा सत्या कृष्णा मुख्तन खान रवि वर्मा सकला शंकर गीता सिंह बेबी लासिया और शत्रु ये सभी लोग तो फिल्म में एज एक्टर काम कर रहे थे नागार्जुन रोधर का रोल प्ले कर रहे थे समन्था किन ने अमृता का शीरत कपूर सुहानी शाह का रोल प्ले कर रहे थे वहीं पे अभिनाय किरण का रोल प्ले कर रहे राव रमेश ने परम धमिया का रोल प्ले किया हुआ है अश्विन बाबू ने अश्विन का किरदार ही प्ले किया हुआ है वेनेला किशोर जो किशोर के रोल में दिखाई देते प्रवीण प्रवीण के ही रोल में दिखाई देते थे विद्युलेखा जिनको बेलम श्रीदेवी का किरदार दिया हुआ है नरेश जो एक फादर के रोल में दिखाई देते वहीं अविनाश एक प्रिस्ट के रोल में दिखाई देते देवन जिनको वाइस चांसलर ये चंद्रशेखर का किरदार दिया हुआ है नंदू को वही सेम नाम के साथ किरदार दिया हुआ है तेजस्वी मेदेवाड़ा को बाला का किरदार दिया हुआ है फिल्म में नारायण राव मास्टर का रोल प्ले कर रहे हैं अन्नपूर्णा वारा लक्ष्मी का सत्य कृष्णन लेक्चर का रोल प्ले कर रहे हैं लेक्चरर का रोल प्ले कर रही है, है। मुख्तान खान जो कमिश्नर शरद चंद्र का रोल प्ले कर रही है और रवि वर्मा जो सत्ती का रोल प्ले करे सकल का शंकर जो बाला यशु का रोल प्ले करे वहीं गीता सिंह निम्मी बेबी लसिया अमृता चाइल्ड अमृता जो छोटी वाली बच्ची थी उसका और शत्रु एक गुंडे के रोल में दिखाई देते हैं राजू गरी टू फिल्म को काफ़ी हाई बजट के साथ बनाया गया था जिसका बजट करीबन 25 करोड़ था और फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 36 करोड़ का कलेक्शन किया था जिसके साथ ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई थी जिसको फिर क्रिटिक्स और ऑडियंस की तरफ से काफ़ी मिक्स रिस्पॉन्स मिला था और इसे एक पासिबल वॉच फिल्म कह सकते हैं इस टाइप की फिल्म को रिस्पॉन्स मिला था वैसे फिल्म एवरेज एवरेज ही थी और इस फिल्म का राजू गरी गदी टू को भी हिंदी में डब करवाया गया है जिसको हिंदी डब करवाया हुआ है जी एंटरटेनमेंट ने जिन्होंने शिवाधि सुपर हीरो टू के नाम से फिल्म को डब करवाया हुआ था जिनके पास पहला पार्ट था जिसका नाम था राजा साहेब का कमरा लेकिन उन्होंने इसको राजा साहेब का कमरा टू के नाम की बजाय फिल्म को नाम दिया हुआ था कि सिवाधि सुपर हीरो टू उसके बाद राजूगरी गधी टू को दो में रिलीज़ करने के बाद फिल्म को 2019 में तीसरा पार्ट लाया गया 2019 में जब इसका तीसरा पार्ट लाया गया था तब सभी लोगों का मानना था कि ये भी शायद रीमेक होगा और वैसा ही निकला फिल्म ऑफिशियली रीमेक निकली वैसे जो राजूगरी दुर्गति वन है जिसको जी एंटरटेनमेंट ने नहीं पर होस्टार यानी कि स्टार नेटवर्क वालों ने खरीदा हुआ था जिन्होंने इस फिल्म को राजा साहब का कमरा के नाम से रिलीज किया था उस वजह से दूसरा पार्ट जी एंटरटेनमेंट के पास था जिन्होंने इसको नाम बाद में शिवाजी सुपर हीरो टू दे दिया था और उसके बाद वो फिल्म जी फाइव भी ऑफिशियली देखने को मिलती है कहीं बार यूट्यूब पे भी अनऑफिशियली देखने को मिल जाती है अब बात कर लेते तीसरे से पार्ट की यानी कि राजी गरी गदी टू राजू गरी गदी थ्री जिसके राइट्स खरीदे हुए थे गोल माइन्स टेलीफिल्म ने जिन्होंने फिल्म को कंचना फोर के नाम से डप करवाया हुआ था क्योंकि राजू गरी गदी थ्री के राइट्स उनके पास थे लेकिन पहले दूसरे पार्ट्स के राइट्स उनके पास नहीं थे तो नाम वो सेम नहीं रखा पहले पार्ट्स के राइट्स थे हॉट स्टार नेटवर्क के पास जिन्होंने राजा साहब का कमरा नाम दिया उसके बाद उन्होंने उस फिल्म को ऑफिशियली हॉटस्टार स्टार पर अवेलेबल किया हुआ है हिंदी वर्जन में इसके अलावा राजू गरी गदी ट्रू जिसके राइट्स खरीदे हुए हैं जी एंटरटेनमेंट ने जिन्होंने फिल्म को शिवाजी सुपर हीरो टू जो नागार्जुन की शिवाजी सुपर हीरो सॉरी विक्रम की शिवाजी सुपर हीरो फिल्म थी उसका सिक्वल बना के रिलीज किया उसके बाद उसको उन्होंने जी फाइव ऑफिशियली हिंदी में अवेलेबल करा हुआ है और कई बार जी फाइव जी सिनेमा पे भी वो फिल्म आती रहती है उसके बाद राजू गरी ग्री जब 2019 में तेलगु लैंग्वेज में आई तभी फिल्म के राइट्स गोलमाइंस वालों ने ख़रीद लिए तो वो गोलमस वाले वैसे भी उनकी ज़्यादातर हॉरर फिल्मों को कंचना के ही नाम से रिलीज़ करना पसंद करते कंचना का बदला कंचना की कार कंचना ही कंचना कंचना वन टू थ्री फोर कंचना रिटर्न्स द रिटर्न ऑफ कंचना ऐसे ही कहीं नाम है वहाँ पे कंचना जोड़ देते क्योंकि उनके पास कंचना सीरीज के पहले एक दो पार्ट्स खरीदे हुए जिस वजह से वो इस फिल्म को कंचना के नाम से रिलीज़ कर दे थे क्योंकि कंचना सीरीज़ काफ़ी सक्सेसफुल है हिंदी वर्जन में भी खास करके उसकी कॉमेडी और डबिंग की वजह से कंचना वन जो 2011 की फिल्म है राघव लॉरेंस वाली जो गोलमाइंस वालों ने डब करवाई हुई थी जिसको सेम नाम से डब करवाया तब काफ़ी अच्छा खासा रिस्पांस मिला था जिसकी वजह से बाद में कंचना टू जो तापसी पन्नू के साथ राघव लॉरेंस की थी उस फिल्म को भी गोलमाइंस वालों ने ख़रीद लिया जिन्होंने सेम नाम रखा होता जिसका नाम कंचना टू रखा लेकिन जब कंचना थ्री की बारी आई तब कंचना थ्री के राइट्स खरीद लिए जी एंटरटेनमेंट ने काफ़ी अच्छे खासे प्राइस में जिसकी वजह से वो कंचना थ्री को केथरी काली का करिश्का करिश्मा के नाम से रिलीज़ किए उन्होंने कहा कि कंचना थ्री तमिल वर्जन है और हिंदी वर्जन में नाम दिया केथरी काली का करिश्मा जिसको जी फाइव पर अवेलेबल किया हुआ है उसी के साथ ही यूट्यूब पर वो अनऑफिशियली कई बार देखने को मिल जाती है और केथरी काली का करिश्मा टेलीविज़न पर भी कई बार आ चुकी है अब उस वजह से क्योंकि उसका मेन रीज़न था कंचना थ्री तो कंचना थ्री गोलमाइस वालों के पास कंचना वन और टू के तो राइट्स थे ही उसी के साथ कंचना थ्री वो सभी फिल्मों को हॉरर फिल्मों को कंचना के नाम से रिलीज़ करवाते तो उन्होंने एक ब्रह्मो करके जो तापसी पन्नू की फिल्म थी जिसका पेट्रोमिक्स करके तमिल में को तमन्ना के साथ रिमेक भी बना था जो हॉटस्टार पर हिंदी वर्जन में अवेलेबल है सेम नाम के साथ जिसकी डबिंग भी अच्छी है और फ्री में अवेलेबल है और अनन्दो ब्रह्मो भी हिंदी डब वर्जन में गोल वालों ने ख़रीदा जिन्होंने यूट्यूब पर इस फिल्म को अवेलेबल किया हुआ है तो उन्होंने क्या किया कि उस फिल्म को दूसरा नाम देने की बजाय कंचना की सक्सेस को फिर से उसी सक्सेस के ऊपर से तर रोटी सेकने की वजह से उन्होंने इस फिल्म को कंचना थ्री नाम दे दिया जिसकी वजह से लोगों का अट्रैक्शन उस फिल्म के प्रति खींच जाए और सेम वैसा ही हुआ और वो फिल्म अच्छी खासी हिंदी वर्जन में व्यूज़ ले गई सौ मिलियन से ज़्यादा शायद व्यूज़ मिले हैं टी वी भी अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिला था अब उसके बाद आई कर राजूगरी सॉरी कंचना थ्री ओरिजिनल वाली तो वो राइट तो जी वालों ने ख़रीदे तो उनके पास कंचना थ्री के सेंसर बोर्ड सर्टिफिकेशन में नाम नहीं दे सकते जिस वजह से उन्होंने इस फिल्म को नाम दे दिया के थ्री कालिका करिश्मा और कोष्टक में लिख दिया था कंचना जिस वजह से बाद में वो फिल्म को कंचना थ्री दिया नाम गया और उसके बाद कंचना फोर अभी तक ऑफिशियली तो आई नहीं है लेकिन हिंदी फिर वेब सीरीज हिंदी सीरीज है जो कंचना की वहाँ पे कंचना फोर भी आ चुकी है जिसको नाम दिया हुआ है राजू गरी गदी थ्री जो ऑफिशियली दिलंको धुन दो टू का रीमेक वर्जन है वैसे तो तमिल तमिल का ही रीमेक है जिस वजह से हॉरर फिल्म होने की वजह से कंचना फोर नाम के साथ गोलमांस वालों ने डब करवा दिया राइट्स खरीद के फिल्म को डब करवा दिया पहले ये फिल्म सोनी पे आने वाली थी लेकिन उसके बाद जब गोलमांस वालों ने अपनी ही टेलीविज़न चैनल रिलॉन्च कर दी जिसका नाम था ढिचाक टेलीविजन चैनल जिस वजह से उन्होंने इस फिल्म को बाद में उस चैनल को थोड़ा उठाने के लिए उसकी टीआरपी गेन करने के लिए चैनल को लोगों की नज़र में लाने के लिए कई बड़ी बड़ी फिल्में रिलीज की है जैसे कि लकी माई नेम इज लकी जो बागे बागे मागा दी वो जिसको जिसका हिंदी डब वर्जन है जिसके लीड रोल में थे नानी और लावनया त्रिपाठी जो काफ़ी बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म थी तो वो फिल्म वहाँ पे रिलीज़ करवाई गई और वैसी कई फिल्में रिलीज करवाई गई थी और सोनी पे और दूसरे को राइट्स बेचे हुए थे उनके पास टेलीविज़न राइट्स फिर से ख़रीद कर गोल वालों ने अपनी ढिनचाट टेलीविज़न पे प्रीमियर करवाए हुए कई फिल्मों को भोजपुरी के राइट्स ख़रीद के उसको भोजपुरी में डब करके रिलीज़ करवाया हुआ है वहीं पर राजू गरी गद्दी थ्री के राइट्स उनके पास थे तो इस फिल्म को कंचना फोर नाम से उन्होंने ढिन्चाक पे प्रीमियर करवाया वहाँ पे अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिला यूट्यूब पे भी गोल माइसॉलो ने इस फिल्म को ऑफिशियली अपलोड किया था लेकिन कुछ समय के बाद रिमूव कर दिया उसका रीज़न नहीं पता है उसके बाद वो फिल्म ढिन्चाक पर कहीं बार आई हुई है कहीं वेबसाइट पर भी अनऑफिशियली अवेलेबल है और कोई ऑफिशियली ओ टी प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल नहीं है क्योंकि गोलमाइस वालों के पास कोई ऑफिशियल ओ टी प्लेटफॉर्म खुद का नहीं है तो उन्होंने यूट्यूब पे तो रिलीज़ करवाई थी लेकिन वो उन्होंने रिमूव कर दी उसके बाद कई लोगों ने इस फिल्म को कंचना फोर के नाम से राजू गरी ग्री फिल्म को यूट्यूब पर ऑफिशियली अनऑफिशियली हिंदी डब में अवेलेबल किया हुआ था अभी भी कई बार वो फ़िल्म देखने को मिल जाती है जिसकी वजह से लोग वहीं से ही देख लेते अदरवाइज़ इसको ढिनचा टेलीविज़न पे से देखने को मिल जाती है ये फिल्म तो इस हिसाब से इस फिल्म को देख लेते तो ये फिल्म अगर ऑफिशियली देखनी हो तो आपको ढिनचा टेलीविजन प्रीमियर का शेड्यूल चेक करना पड़ेगा वहीं से ही आप ये फिल्म को ऑफिशियली देख सकते हो अदरवाइज़ गोलबाइंस वाले जब फिल्म को डब करवाएंगे सॉरी जब यूट्यूब पर प्रीमियर करवाएंगे तभी देख पाओगे इसके अलावा अनऑफिशियली तो आती रहती है अगर आप यूट्यूब पे अनऑफिशियली देख सकते हो तो वहीं से कहीं से भी देख सकते हो तो इस फिल्म का यही हिंदी डब वर्जन का काम है डबिंग तो काफ़ी बढ़िया की हुई है वैसे गोलमाइंस की जो हॉरर फिल्मों की कॉमेडी के रिगार्डिंग जो हॉरर कॉमेडी फिल्मों की जो डबिंग है अभी तक काफ़ी सक्सेसफुल साबित हुई है कंचना सीरीज की मेन रीज़न वही है उनकी उसकी डबिंग जहाँ पे मराठी गुजराती हिंदी पंजाबी सभी मिक्स करके वो एक भोजपुरी सभी स्लैंग को मिक्स करके जो एक फिल्म को डब करवाते वही वजह से फिल्म अच्छा खासा यूट्यूब पे और टेलीविजन पे काम कर जाती है तो कई उसी वजह से सभी चीजों को बढ़िया तरीके से रिस्पॉन्स मिल जाता है राजू गरी ग्री दो की तेलुगु लैंग्वेज हॉर कॉमेडी फिल्म है जिसको लिखा और डिरेक्ट किया हुआ है ओमकार ने फिल्म का स्क्रीन प्ले भी ओमकार ने ही किया हुआ है एक्चुअल स्टोरी है वो है साई माधव बुर्रा की फिल्म के प्रोड्यूसर की बात करें तो कल्याण चक्रवर्ती जिन्होंने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है ओ ए यानी कि ओक एंटरटेनमेंट्स के नीचे इस प्रोडक्शन कंपनी के नीचे कल्याण चक्रवर्ती फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है सिनेमेटोग्राफर की बात करें छोटा के नायडो की इस फिल्म में आपको सिनेमेटोग्राफी देखने को मिलेगी साथ ही में एडिटिंग हुए गौतम राजू ने ने म्यूजिक दिया हुआ है साबिर इस फिल्म के लीड कास्ट की बात करे तो फिल्म में आपको अश्विन बाबू अविका गौर और उर्वशी लीड रोल में देखने को मिलेंगे उन्हीं के साथ सपोर्टिंग कास्ट की बात करे तो अली ब्रह्मा जी अजय घोष प्रभाष श्रीनु हरि तेजा के शिवाशंकर धनराज गेटअप स्नेहा गुप्ता राधिका एस मायादेव वो सभी लोग सपोर्टिंग कास्ट में देखने को मिलेंगे तो यह फिल्म के कास्टिंग ये सभी आर्टिस्ट है जिन्होंने इस फिल्म में काम किया हुआ है इस फिल्म के रनिंग टाइम की बात करें तो फिल्म को 122 मिनट जितना बनाया गया है जिसको पूरे इंडिया में तेलुगु लैंग्वेज में 18 अक्टूबर 2019 को रिलीज किया गया था जिसका बजट करीबन चार से पांच करोड़ था और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर बारह करोड़ से भी ज्यादा का कलेक्शन किया था बात करें फिल्म के रीमेक वर्जन की तो ये फिल्म दिलंकु दुंदु टू नाम की जो तमिल मूवी है उसका ऑफिशियल रीमेक वर्जन है तिलंकु दुंदु टू की बात करें तो वो 2019 की ही तमिल लैंग्वेज हॉरर कॉमेडी फिल्म

तो म्यूजिक डायरेक्टर और कुछ कास्टिंग भी फिल्म की सेम नजर आ रही है दिलंकु दुंदुत फिल्म को हैंडमेड फिल्म्स प्रोडक्शन कंपनी के नीचे सांतनम के द्वारा ही प्रोड्यूस किया गया था जो फिल्म के लीड एक्टर थे इस फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ था ट्रीड एंड आर्ट ने दिलंकुंड मूवी को सात फरवरी दो को पूरे इंडिया में तमिल लैंग्वेज में रिलीज किया गया था सांतनम के करियर की सबसे बड़ी हिट फिल्म साबित हुई इस फिल्म को टोटल चालीस दिन में शूट किया गया था और ये दिलंकु दुंदुतु जो दो हजार सोलह में फिल्म थी उसका ये सिक्वल है जिसका पहला पार्ट यानी कि दिलंकुदू टू जिसको राजमहल थ्री के नाम से 2017 में गोलमाइन टेलीफिल्म के द्वारा डब करवाया गया था और वो फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर अच्छा खासा कलेक्शन कर गई थी जिसकी रिमेक भी बनी थी 2019 में गिमिक के नाम से जो कन्नडा रिमेक थी जिसके लीड रोल में थे सुपरस्टार गणेश तिलंकू दुंदु वन को टोटल 12 करोड़ कलेक्शन मिला था बॉक्स ऑफिस पे उसके बाद इस फिल्म का सिक्वल 2019 में बना गया जो भी काफी बड़ा सक्सेसफुल साबित हुआ दूसरे पार्ट का रिमेक राजू गरी थ्री के नाम से हिंदी में बनाया गया राजू गरी थ्री की कहानी की बात करे तो फिल्म में अश्विन और उसका मामा जो हैप्पी गो लकी वाले पर्सन है और वो अपने कॉलोनी में काफ़ी न्यूसेंस फैलाते रहते अपने नेबर को पीने के बाद काफ़ी परेशान करते रहते तो उनके नेबर्स जो भी पड़ोसी थे तो वो कई अलग अलग टेक्निक अपनाते थे इन दोनों को भगाने के लिए लेकिन कोई भी टेक्निक काम नहीं आ रही थी आखिर में उनको एक ऐसा पॉइंट मिला जहाँ पे वो एक मिस्टीरियस घोष के थ्रू उनको डरा के उसके पीछे पड़वाना चाहते जिसके कारण वो दोनों उस कॉलोनी को छोड़ के चले जाए उसके बाद पूरी फिल्म की कहानी इस तरह से सेट की हुए जिसकी वजह से वहां पे हॉरर और कॉमेडी दोनों एलिमेंट हमें देखने को मिलता है फिल्म की कहानी डिसेंट है उसमें उतना कुछ नयापन तो नहीं है लेकिन जिस तरह से कॉमेडी सिक्वेंस सेट किए हुए वो बढ़िया है फिल्म के हॉरर कॉमेडी सीक्वेंस का कॉम्बो अच्छी तरह से सेट किया हुआ है खास करके कॉमेडी वाला सीक्वेंस जिस तरह से अश्विनी का कैरेक्टर लिखा हुआ है अजय घोष का कैरेक्टर वो दोनों कैरेक्टर आपको ज़रूर हंसाने में कामयाब रहते हैं साथ ही में फिल्म की डबिंग भी वही बढ़िया लेवल की की हुई है गोलमाइंस के द्वारा जिसकी वजह से वो देखने में मजा आता है रा, इसका जो दूसरा जिसका ये रीमेक है दिलंकुदुंदो टू का उस फिल्म से इस फिल्म को शायद शायद तक सेम टू सेम बनाया गया है अश्विन बाबू और अविका गौर अपने एक शानदार परफॉर्मेंस डिलीवर करते हुए नजर आते हैं और अश्विन बाबू ने इस फिल्म में ये इस, इस सीरीज़ में इनकी कंटिन्यू तीसरी फिल्म में इससे पहले उन उन्होंने पहले पार्ट में लीड किया था उसके बाद दूसरे पार्ट में नागार्जुन और समन्था के साथ उन्होंने काम किया हुआ था और तीसरा पार्ट ये इस फिल्म की कास्टिंग की बात करें तो अश्विन बाबू हमें अश्विन के रोल में दिखाई देते वहीं अविका गौर हमें माया का रोल में दिखाई देती है उर्वशी राजमाता के रोल में दिखाई देती है वहीं अली अश्विन के दोस्त का यानी फ्रेंड का या मामा का किरदार निभाते हुए नजर आते उसी के साथ ब्रह्मा जी जो एक डॉक्टर के रोल में दिखाई देते हैं वहीं पे अजय घोष जो गरुड़ा राजनु हरि तेजा धनराज गेटअप श्रीनुनेहा गुप्ता का एक आइटम नंबर है राधिका एस मायावन जिसका आइटम गर्ल के तौर पे दूसरे आइटम गर्ल के तौर पे वो नागद्दी लोकी सॉन्ग में दिखाई देती है दूसरे बाकी के सभी लोग कॉलोनी मेंबर या कुछ ना कुछ सपोर्टिंग आर्टिस्ट में दिखाई देते हैं फिल्म के म्यूजिक की बात करें तो सबीर के द्वारा इस फिल्म का म्यूजिक कम्पोज किया गया जिन्होंने इस फिल्म का जो ओरिजिनल वर्जन है यानी कि दिलंग कु टू उसमें भी उन्होंने ही म्यूजिक दिया हुआ था इस फिल्म का गाना ना गदीरो का रा कर लिरिक्स श्री मनी ने लिखा हुआ है और परफॉर्म किया हुआ है एम एस मानसी ने और श्री वर्जिनी तनुश्री नटराजन मिराया वर्मा एल वी रेवंत और खुद सबीर ने इस फिल्म को क्रिटिक्स और ऑडियंस की तरफ से मिक्स रिस्पांस मिला था खास करके क्रिटिक्स को इस फिल्म से थोड़ा का कम कॉमेडी ट्रैक ने वो सब पसंद आया था वहीं पे ऑडियंस को कुछ ऑडियंस को ज़्यादा मज़ा आया था फिल्म से लेकिन कुछ ऑडियंस को ठीक ठाक लगी थी इस फिल्म को राजू गरी गधी टू जो 2013 में 2017 में रिलीज की गई थी उसका प्रिक्वल माना जाता है इसके अलावा इस फिल्म के हम सीरीज़ की बात करें तो पहली इस, इस इसके अलावा फिल्म की सीरीज की बात करें तो सबसे पहली फिल्म यानी कि राजू गरी गदी थ्री राजूगरी गधी गदी थ्री फिल्म इस फिल्म सीरीज की पहली सीरीज पहली फिल्म है जिसके राइटर डायरेक्टर ओमकार है प्रोड्यूस किया हुआ है वाराही चालन चित्रम ने और इस फिल्म को यानी कि राजू गरी गदी वन को वारा ललन चित्रम ए के एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड ओके एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी प्रोडक्शन कंपनी के नीचे प्रोड्यूस किया गया है जिसका म्यूजिक दिया हुआ है शायद कार्तिक ने सिनेमाटोग्राफी की हुए ग्नम ने और एडिटिंग की हुए नागराज ने राजू गरी गदी थ्री जो दो हजार सत्रह दो हज़ार पंद्रह की तेलुगु लैंग्वेज हॉरर कॉमेडी फिल्म है जिसको लिखा डीर किया ओमकार ने और फिल्म के लीड रोल में देखने को मिले थे असवैन बाबू और धान्या कृष्णा सपोर्टिंग कास्ट की बात करें चेतन ची थी, चीनू पोषाणी कृष्णा मोरली धनराज राजीव कनकाला विजुलेखा रमन और साथ ही में ईशान्या महेश्वरी इस फिल्म का बजट करीबन तीर तीन करोड़ था और जिस टाइम इस फिल्म को रिलीज़ 16 अक्टूबर 2015 को रिलीज़ किया गया था तब पूरे इंडिया में तेलुगु लैंग्वेज में 135 मिनट के रन टाइम के साथ इसको रिलीज़ किया गया था जिसको 18 करोड़ तक बॉक्स ऑफिस पे कलेक्शन मिला हुआ था और उसके बाद ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे अच्छा खासा कलेक्शन करने की वजह से काफ़ी बढ़िया तरीके से ब्लॉकबस्टर साबित शाबित गिनी गई गिनी गई थी इस फिल्म के हिंदी राइड सोल्ड आउट किए थे तेजी एंटरटेनमेंट ने जिन्होंने राजा साहेब का कमरा के नाम से फिल्म को हिंदी में डब करवाया होता है उसी के साथ राजा गरी गदी फिल्म तमिल में मुंदिंजा वालू के नाम से डब हुई थी वहीं बाद में इस फिल्म का सिकवल बनाया गया जो 2017 में राजू गरी गदी टू के नाम से रिलीज किया गया वैसे राजू गरी गदी थ्री फिल्म जो ऑफिशियली वैसे तो राजू गरी गदी थ्री फिल्म की राजू गरी गदी फिल्म सीरीज़ है वो ज़्यादातर जैसे कि जिस इस फिल्म का जो दूसरा पार्ट यानी कि राजू गरी गदी टू जिसको 2017 में तेलुगू लैंग्वेज में कॉमेडी हॉरर फिल्म सीरीज फिल्म के नाम से रिलीज़ किया गया था जिसको प्रोड्यूस किया होता प्रशांत वी पोटलोरी ने और पी वी पी सिनेमा और मेटिन एंटरटेनमेंट ओक एंटरटेनमेंट बैनर के नीचे फिल्म को प्रोड्यूस किया गया था फिल्म को लिखा हुआ है अबूरी रवि ने खास करके डायलॉग स्क्रीन प्ले स्टोरी और डायरेक्शन किया हुआ है ओमकार ने फिल्म की ओरिजिनल स्टोरी थी रंजीत शंकर की ये फिल्म हकीकत में प्रथम फिल्म जो 2016 में मलयालम लैंग्वेज में आई थी जो एक हॉरर कॉमेडी ड्रामा फिल्म थी उसका ऑफिशियल रीमेक वर्जन है इसके बाद प्रेथम का भी दूसरा पार्ट आया था प्रथम टू जिसको जिसको दो में रिलीज किया गया था प्रेथम फिल्म जो पहला पार्ट थी उसकी टेक्निकल टीम यानी कि फिल्म को लिखा और डेक्ट किया होता रंजित शंकर ने प्रोड्यूस रंजीत शंकर खुद कर रहे थे और जया सूर्या मिलकर जया सूर्या जो फिल्म के लीड एक्टर में थे उन्हीं के साथ अजो वर्गीज सराफोद्दीन श्रुति रामाचंद्रन गोविंद पदमा धर्माजन धर्मा थी हरीश पेराडी ये सभी लोग देखने को मिलते हैं सिनेमाटोग्राफी की हुई थी जीतू दामोदर ने एडिटिंग की हुई थी वी साजन ने म्यूजिक दिया था आनंद मसदुसूदन ने प्रोडक्शन कंपनी ड्रीम एंड बियॉन्ड्स के नीचे फिल्म को प्रोड्यूस किया गया था डिस्ट्रीब्यूटर थे फॉक्स स्टार स्टूडियो और सेंट्रल पिक्चर्स बारह अगस्त 2016 को फिल्म को रिलीज किया गया था जिसकी रनिंग टाइम थी 126 मिनट और पूरे इंडिया में मलयालम लैंग्वेज में इस फिल्म को रिलीज किया गया था जिसका करीबन बजट साढ़े तीन करोड़ था और बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म में बम्पर कलेक्शन करके 18 करोड़ तक का कलेक्शन किया जिसका बाद में तेलुगु में रिमेड रिमेक बन गया जिसका नाम था राजू गरी गिखा डीरेक् ओमकार ने और फिल्म के लीड रोल में थे नागा अर्जुन समन था अक्की सीरत कपूर अभिनया राव रमेश अश्विन बाबू वेनेला किशोर ये सभी लोग फिल्म की कास्टिंग में सपोर्टिंग कास्ट की बात करें तो प्रवीण विधुलेकार रमन नरेश अविनाश देवन नंदू तेजस्विनी मेदेवाड़ा नारायण राव नपूर्णा सत्या कृष्णा खान रवि वर्मा सक शंकर गीता सिंह बेबी लासिया और शत्रु ये सभी लोग फिल्म में एज एक्टर काम कर रहे थे नागार्जुन रोधरा का रोल प्ले कर रहे थे समन्था किननी अमृता का शीरत कपूर सुहानी सा का रोल प्ले कर रहे थे वहीं पे अभिनाय किरण का रोल प्ले कर रहे राव रमेश ने परम धमिया का रोल प्ले किया हुआ है अश्विन बाबू ने अश्विन का किरदार ही प्ले किया हुआ है वेनेला किशोर जो किशोर के रोल में दिखाई देते प्रवीण प्रवीण के ही रोल में दिखाई देते विद्युलेखा जिनको बेलम श्रीदेवी का किरदार दिया हुआ है नरेश जो एक फादर के रोल में दिखाई देते वहीं अविनाश एक पृष्ठ के रोल में दिखाई देते देवन जिनको वाइस चांसलर ये चंद्रशेखर का किरदार दिया हुआ है नंदू को वही सेम नाम के साथ किरदार दिया हुआ है डी मेदेवाड़ा को बाला का किरदार दिया हुआ है फिल्म में नारायण राव मास्टर का रोल प्ले कर रहे हैं अन्नपूर्णा वारा लक्ष्मी का सत्य कृष्णन लेक्चर का रोल प्ले कर रहे है लेक्चरर का रोल प्ले कर रही है मुख्तान खान जो कमिश्नर शरद चंद्र का रोल प्ले कर रही है और रवि वर्मा जो सत्ती का रोल प्ले करे सकला का शंकर जो बाला यशु का रोल प्ले करे वहीं गीता सिंह निम्मी बेबी लस्या अमृता चाइल्ड अमृता जो छोटी वाली बच्ची थी उसका और शत्रु एक गुंडे के रोल में दिखाई देते राजू गरी टू फिल्म को काफ़ी हाई बजट के साथ बनाया गया था जिसका बजट करीबन 25 करोड़ था और फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 36 करोड़ का कलेक्शन किया था जिसके साथ ये फ़िल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई थी जिसको फिर क्रिटिक्स और ऑडियंस की तरफ से काफ़ी मिक्स रिस्पॉन्स मिला था और इसे एक पासिबल वॉच फिल्म कह सकते हैं इस टाइप की फिल्म को रिस्पॉन्स मिला था वैसे फिल्म एवरेज एवरेज ही थी और इस फिल्म का राजू गरी ग टू को भी हिंदी में डब करवाया गया है जिसको हिंदी डब करवाया हुआ है जी एंटरटेनमेंट ने जिन्होंने शिवाजी सुपर हीरो टू के नाम से फिल्म को डब करवाया हुआ था जिनके पास पहला पार्ट था जिसका नाम था राजा साहेब का कमरा लेकिन उन्होंने इसको राजा साहेब का कमरा टू के नाम की बजाय फिल्म को नाम दिया हुआ था कि शिवाजी सुपर हीरो टू उसके बाद राजूगरी गधी टू को दो में रिलीज करने के बाद फिल्म को 2019 में तीसरा पार्ट लाया गया 2019 में जब इसका तीसरा पार्ट लाया गया था तब सभी लोगों का मानना था कि ये भी शायद रिमेक होगा और वैसा ही निकला फिल्म ऑफिशियली रीमेक निकली वैसे जो राजूगरी दुर्गति वन है जिसको जी एंटरटेनमेंट ने नहीं पर हॉट यानी कि स्टार नेटवर्क वालों ने खरीदा हुआ था जिन्होंने इस फिल्म को राजा साहब का कमरा के नाम से रिलीज़ किया था उस वजह से दूसरा पार्ट जी एंटरटेनमेंट के पास था तो जिन्होंने इसको नाम बाद में शिवाजी सुपर हीरो टू दे दिया था और उसके बाद वो फिल्म जी फाइव भी ऑफिशियली देखने को मिलती है कहीं कहीं बार यूट्यूब पे भी अनऑफिशियली देखने को मिल जाती है अब बात कर लेते हैं तीसरे से पार्ट की यानी कि राजी गरी गदी टू राजू गरी गदी थ्री जिसके राइट्स खरीदे हुए थे गोल टेलीफिल्म्स ने जिन्होंने फिल्म को कंचना फोर के नाम से डब करवाया हुआ था क्योंकि राजू गरी ग थ्री के राइट्स उनके पास थे लेकिन पहले दूसरे पार्ट्स के राइट्स उनके पास नहीं थे तो नाम वो सेम नहीं रखा पहले पार्ट्स के राइट्स थे हॉट स्टार नेटवर्क के पास जिन्होंने राजा साहब का कमरा नाम दिया उसके बाद उन्होंने उस फिल्म को ऑफिशली हॉस्टार पर अवेलेबल किया हुआ है हिंदी वर्जन में इसके अलावा राजू गरी गदी ट्रू जिसके राइट्स खरीदे हुए हैं जी एंटरटेनमेंट ने जिन्होंने फिल्म को शिवाजी सुपर हीरो टू जो नागार्जुन की शिवाजी सुपर हीरो सॉरी विक्रम की शिवाजी सुपर हीरो फिल्म थी उसका सिक्वल बना के रिलीज किया उसके बाद उसको उन्होंने जी फाइव पर ऑफिशियली हिंदी में अवेलेबल करा हुआ है और कई बार जी फाइव जी सिनेमा पर भी वो फिल्म आती रहती है उसके बाद राजू गरी गदीश्री जब 2019 में तेलुगू लैंग्वेज में आई तभी फिल्म के राइट्स गोलमेंस वालों ने खरीद लिए तो वो गोलमस वाले वैसे भी उनकी ज़्यादातर हॉरर फिल्मों को कंचना के ही नाम से रिलीज़ करना पसंद करते कंचना का बदला कंचना की कार कंचना ही कंचना कंचना वन टू थ्री फोर कंचना रिटर्न्स द रिटर्न ऑफ कंचना ऐसे ही कहीं नाम है वहाँ पे कंचना जोड़ देते क्योंकि उनके पास कंचना सीरीज़ के पहले एक दो पार्ट्स खरीदे हुए जिस वजह से वो इस फिल्म को कंचना के नाम से रिलीज़ कर दे थे क्योंकि कंचना सीरीज़ काफ़ी सक्सेसफुल है हिंदी वर्जन में भी खास करके उसकी कॉमेडी और डबिंग की वजह से कंचना वन जो 2011 की फिल्म है राघव लॉरेंस वाली जो गोलमाइंस वालों ने डब करवाई हुई थी जिसको सेम नाम से डब करवाया तब काफ़ी अच्छा खासा रिस्पांस मिला था जिसकी वजह से बाद में कंचना टू जो तापसी पन्नू के साथ राघव लॉरेंस की थी उस फिल्म को भी गोलमाइंस वालों ने ख़रीद लिया जिन्होंने सेम नाम रखा होता जिसका नाम कंचना टू रखा लेकिन जब कंचना थ्री की बारी आई तब कंचना थ्री के राइट्स खरीद लिए जी एंटरटेनमेंट ने काफ़ी अच्छे खासे प्राइस में जिसकी वजह से वो कंचना थ्री को के थ्री काली का करिश्का न करिश्मा के नाम से रिलीज़ किए उन्होंने कहा कि कंचना थ्री तमिल वर्जन है और हिंदी वर्जन में नाम दिया केथरी काली का करिश्मा जिसको जी फाइव पर अवेलेबल किया हुआ है उसी के साथ यूट्यूब पे वो अनऑफिशियली कई बार देखने को मिल जाती है और केथरी काली का करिश्मा टेलीविज़न पर भी कई बार आ चुकी है अब उस वजह से क्योंकि उसका मेन रीज़न था कंचना थ्री तो कंचना थ्री गोलमाइंस वालों के पास कंचना वन और टू के तो राइट्स थे ही उसी के साथ कंचना थ्री वो सभी फिल्मों को हॉरर फिल्मों को कंचना के नाम से रिलीज़ करवाते तो उन्होंने एक आनंदो ब्रमो करके जो तापसी पन्नू की फिल्म थी जिसका पेट्रोमिक्स करके तमिल में को तमन्ना के साथ रिमेक भी बना था जो हॉटस्टार पर हिंदी वर्जन में अवेलेबल है सेम नाम के साथ जिसकी डबिंग भी अच्छी है और फ्री में अवेलेबल है और अनन्दो ब्रह्मो भी हिंदी डब वर्जन में गोलमस वालों ने ख़रीदा जिन्होंने यूट्यूब पर इस फिल्म को अवेलेबल किया हुआ है तो उन्होंने क्या किया कि उस फिल्म को दूसरा नाम देने की बजाय कंचना की सक्सेस को फिर से उसी सक्सेस के ऊपर से तर रोटी सेकने की वजह से उन्होंने इस फिल्म को कंचना श्री नाम दे दिया जिसकी वजह से लोगों का अट्रैक्शन उस फिल्म के प्रति खींच जाए और सेम वैसा ही हुआ और वो फिल्म अच्छी खासी हिंदी वर्जन में व्यूज़ ले गई सौ मिलियन से ज़्यादा शायद व्यूज़ मिले टीवी पे भी अच्छा खासा रिस्पांस मिला था अब उसके बाद आई कर राजू गरी सॉरी कंचना थ्री और वाली तो वो राइट तो जी वालों ने ख़रीदे तो उनके पास कंचना थ्री के सेंसर बोर्ड सर्टिफिकेशन में नाम नहीं दे सकते जिस वजह से उन्होंने इस फिल्म को नाम दे दिया के थ्री कालिका करिश्मा और कोष्टक में लिख दिया था कंचना जिस वजह से बाद में वो फिल्म को कंचना थ्री दिया नाम गया और उसके बाद कंचना फोर अभी तक ऑफिशियली तो आई नहीं है लेकिन हिंदी फिर वेब सीरीज हिंदी सीरीज है जो कंचना की वहाँ पे कंचना फोर भी आ चुकी है जिसको नाम दिया हुआ है राजू गरी गदी थ्री जो ऑफिशियली दिलंको धुंदो टू का रीमेक वर्जन है वैसे तो तमिल तमिल का ही रीमेक है जिस वजह से हॉरर फिल्म होने की वजह से कंचना फोर नाम के साथ गोलमाइंस वालों ने डब करवा दिया राइट्स खरीद के फिल्म को डब करवा दिया पहले ये फिल्म सोनी पे आने वाली थी लेकिन उसके बाद जब गोलमाइंस वालों ने अपनी ही टेलीविजन चैनल रिलॉन्च कर दी जिसका नाम था टिंचाक टेलीविजन चैनल जिस वजह से उन्होंने इस फिल्म को बाद में उस चैनल को थोड़ा उठाने के लिए उसकी टीआरपी गेन करने के लिए चैनल को लोगों की नज़र में लाने के लिए कई बड़ी बड़ी फिल्में रिलीज की है जैसे कि लकी माय नेम इज लकी जो बागे बागे मागा दी वो जिसको जिसका हिंदी डब वर्जन है जिसके लीड रोल में थे नानी और लावनया त्रिपाठी जो काफ़ी बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म थी तो वो फिल्म वहाँ पे रिलीज़ करवाई गई और वैसी कई फिल्में रिलीज़ करवाई गई थी और सोनी पे और दूसरे को राइट्स बेचे हुए थे उनके पास टेलीविज़न राइट्स फिर से ख़रीद कर गोलमाइंस वालों ने अपनी ढी चार टेलीविज़न पे प्रीमियर करवाए हुए कई फिल्मों को भोजपुरी में राइट्स ख़रीद के उसको भोजपुरी में डब करके रिलीज़ करवाया हुआ है वहीं पर राजू गरी गदी थ्री के राइट्स उनके पास थे तो इस फिल्म को कंचना फोर नाम से उन्होंने ढिनचाक पे प्रीमियर करवाया वहाँ पे अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिला यूट्यूब पे भी गोलमाइस वालों ने इस फिल्म को ऑफिशियली अपलोड किया था लेकिन कुछ समय के बाद रिमूव कर दिया उसका रीज़न नहीं पता है उसके बाद वो फिल्म ढिन्चाक पर कहीं बार आई हुई है कहीं वेबसाइट पर भी अनऑफिशियली अवेलेबल है और कोई ऑफिशियली ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल नहीं है क्योंकि गोलमाइस वालों के पास कोई ऑफिशियल ओ टी टी प्लेटफॉर्म खुद का नहीं है तो उन्होंने यूट्यूब पर तो रिलीज़ करवाई थी लेकिन वो उन्होंने रिमूव कर दी उसके बाद कई लोगों ने इस फिल्म को कंचना फोर के नाम से राजूगरी गदी थ्री फिल्म को यूट्यूब पे ऑफिशियली अनऑफिशियली हिंदी डब में अवेलेबल किया हुआ था अभी भी कई बार वो फिल्म देखने को मिल जाती है जिसकी वजह से लोग वहीं से ही देख लेते हैं अदरवाइज इसको ढीचा टेलीविजन पे से देखने को मिल जाती है ये फिल्म तो इस हिसाब से इस फिल्म को देख लेते तो ये फिल्म अगर ऑफिशियली देखनी हो तो आपको ढींक टेलीविजन प्रीमियर का शेड्यूल चेक करना पड़ेगा वहीं से ही आप ये फिल्म को ऑफिशियली देख सकते हो अदरवाइज गोल वाले जब फिल्म को डब करवाएंगे सॉरी जब YouTube पे प्रीमियर करवाएंगे तभी देख पाओगे इसके अलावा अनऑफिशियली तो आती रहती है अगर आप यूट्यूब तो से कहीं से भी देख सकते हो तो ये इस फिल्म का यही हिंदी डब वर्जन का काम है डबिंग तो काफी बढ़िया की हुई है वैसे गोलमाइंस की जो हॉरर फिल्मों की कॉमेडी के रिगार्डिंग जो हॉरर कॉमेडी फिल्मों की जो डबिंग है अभी तक काफी सक्सेसफुल साबित हुई है कंचना सीरीज की मेन रीजन वही है उनकी उसकी डबिंग जहां पे मराठी गुजराती हिंदी पंजाबी सभी मिक्स करके वो एक भोजपुरी सभी स्लैंग को मिक्स करके जो एक फिल्म को डब करवाती है वही वजह से फिल्म अच्छा खासा यूट्यूब पे और टेलीविजन पे काम कर जाती है तो कई उसी वजह से सभी चीज़ों को बढ़िया तरीके से रिस्पॉन्स मिल जाता है तो बस गाय आज के इस फिल्म के रिगार्डिंग यानी कि राजू गरी गति फिल्म के रिगार्डिंग जिसने भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है जो बातें थे अनकई बातें अनसोनी बातें फिल्म का रिव्यू सभी मैंने आपको बता दिया स्टोरी भी बता दी कहाँ पे देखने को मिलेगी वो भी बता दिया है अगर यूट्यूब पे इस फिल्म को देखना है तो वो फिल्म आपको गोल माइन्स पर ही देखने को मिलेगी अदरवाइज नहीं देखने को मिलेगी अनऑफिशियली आपको यूट्यूब पर कहीं भी ये फिल्म देखने को मिल जाएगी तो बस गाइज आज के वीडियो में इतना ही था आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें थैंक यू